The events, characters, and entities depicted in this film are fictional. Any resemblance or similarity to any actual events, entities, or persons, whether living or dead, is entirely coincidental. हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे हैं। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। मारो नाम वेदा, उपनाम दर्जा पहचान सब पे रख लो, पर मने नहीं जावे कोई रक्षा। कर हो तो कोई ऐसा जो पैर रे तलवाने लोहे का तवा। झगड़ना नहीं आता मुझे, सिर्फ जंग लड़नी आती है। जो पैर तलवाने लोहे का तवा बना दे, एक को सिर्फ एक का साथ मिल जाए। तो क्या 3-2 और खेल खेल में के चलते जॉन अब्राहम बन पाए बॉक्स ऑफिस के सिकंदर? तो दोस्तों, जॉन अब्राहम की एक्शन थ्रिलर फिल्म वेदा 15 अगस्त को रिलीज हो ही गई, जो ट्रिपल क्लैश में थी 3-2 और खेल खेल में के साथ। और अब अगर इसके फर्स्ट डे कलेक्शन को देखें तो इसने 6.52 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। तो वहीं 3-2 ने 46 करोड़ की ओपनिंग ली और अक्षय कुमार की खेल खेल में 5 करोड़ की ले ली। पर क्या ट्रिपल क्लैश के चलते वेदा का नुकसान हुआ है? तो हाँ, क्लैश में किसी का तो नुकसान तय ही है और ये आंकड़े तो बता ही रहे। अब भले ही यहाँ खेल खेल में से वेदा आगे है, पर स्त्री 2 और वेदा में तो जमीन आसमान का फर्क है ना। मतलब जिस तरह से एडवांस बुकिंग कलेक्शन में ये फिल्म खेल खेल में और स्त्री 2 के बीच में स्टैंड कर रही थी, वैसा ही ओपनिंग डे पर भी हुआ है। और सिर्फ स्त्री 2 से ही ये पीछे नहीं रही, बल्कि जॉन की पिछली फिल्मों के कंपैरिजन में भी वेदा का कलेक्शन कम ही है। जैसे देखा जाए तो बाटला हाउस ने
14 करोड़ और सत्य में विजेते ने 19 करोड़ की ओपनिंग ली थी, जो कि एक्शन थ्रिलर और 15 अगस्त को ही रिलीज हुई फिल्में हैं। इसके अलावा जॉन की एक विलेन रिटर्न्स को देखें तो उसने भी 7 करोड़ की ओपनिंग ली थी। तो अब अक्षय की खेल खेल में का नाम यहाँ हम नहीं लेंगे क्योंकि वेदा और उसके कलेक्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर स्त्री 2 के साथ क्लैश करने की वजह से डेफिनेटली वेदा को नुकसान हुआ है, क्योंकि शोज बट गए, ऑडियंस बट गई और स्त्री 2 का बज कमाल का था। ऊपर से इसके 14 अगस्त का स्पेशल शो रखे गए थे, यानी तभी से थिएटर और स्त्री 2 में अलग ही बॉन्ड बन रहा था। ऐसे में वेदा पर इसका असर तो पड़ा ही है, जो इससे भी बेटर कलेक्शन कर सकती थी। तकरीबन 12 करोड़ का कलेक्शन तो हो ही सकता था। हाँ, ये एक रीजन तो है ही, दूसरी ओर फिल्म के रिव्यूज भी हैं। जी हाँ, वैसे फिल्म को अच्छे खासे रिव्यूज मिले तो हैं, जॉन के एक्शन सीक्वल, शर्वरी का क्लासिक परफॉर्मेंस, यू नो स्टूडेंट मेंटोर की जोड़ी, कास्ट सिस्टम पर वॉर, ये सारी चीजें ऑडियंस को पसंद आ चुकी हैं, इसीलिए वेदा को 3.5 रेटिंग भी मिली। पर कुछ क्रिटिक्स को ये फिल्म उतनी पसंद नहीं आई, तो वहीं कुछ ऑडियंस भी इन क्रिटिक्स के रिव्यूज से अग्री करते हैं। जैसे कि क्रिटिक्स का ये कहना है कि कास्ट सिस्टम, जो कि हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसे काफी अच्छे तरीके से हाईलाइट किया गया है इस फिल्म में, पर जब हमें फिल्म अच्छी लगने लगती है तब स्लो पेस और स्ट्रेच स्क्रीन प्ले की वजह से हमारे पेशेंस टेस्ट किए जाते हैं। मतलब जब आप फिल्म के प्लॉट में खुद का इंटरेस्ट इन्वेस्ट करने लगते हो, तभी कुछ ऐसे सीन्स इसमें दिखाए जाते हैं जिसकी वजह से काफी बोरिंग माहौल आ जाता है, जो कि बहुत सही बात है। शायद ये भी एक वजह है इस फिल्म के कलेक्शन में कम नंबर्स आने का। वैसे पता नहीं जॉन अब्राहम को इसका कितना पछतावा होने वाला है, पर कुछ जॉन लवर्स को अब लग रहा होगा कि यार ये क्लैश नहीं होना चाहिए था। खैर, पर अब देखना ये है कि ये डे 2 के कलेक्शन में कितने नंबर्स लाती है। वैसे 15 से 19 अगस्त में हॉलिडे है, वीकेंड है, रक्षाबंधन की छुट्टी भी है, ऐसे में देखते हैं फिल्म क्या क्या कर पाती है। वेल, आप फिल्म देखने गए या नहीं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पठान के बाद जॉन अब्राहम एक बार फिर से जबरदस्त एक्शन अवतार में बड़े पर्दे पर आने के लिए बिल्कुल तैयार है। फरवरी में उन्होंने अपनी नई मूवी वेदा की अनाउंसमेंट शेयर की थी, जिसमें वो बेहद ही इंटेंस एक्शन अवतार में नजर आए। मूवी में जॉन के साथ शर्वरी वाघ और तमन्ना भाटिया भी है। अब वेदा का टीजर आ गया है और जॉन का एक्शन अवतार बहुत ही भौकाली नजर आ रहा है। मूवी का टाइटल वेदा, कहानी में शर्वरी वाघ के किरदार का नाम है। वो एक ऐसी लड़की के रोल में है जो राजस्थान के किसी इलाके में एक ऐसे सिस्टम में फंसी दिख रही है, जहां महिलाओं को बहुत ही ज्यादा दबाया जाता है। ट्रेलर में शर्वरी कहती दिख रही है कि उन्हें किसी रक्षक की जरूरत नहीं है। वेदा के टीजर में वो भी काफी एक्शन करती नजर आई। उनके बाद कहानी में एंट्री होती है जॉन अब्राहम की, जो एक सोल्जर के रोल में है। उनका इंट्रो सीन कश्मीर में शूट हुआ है। इसमें वो बतौर सोल्जर किसी टेररिस्ट ऑपरेशन जैसी सिचुएशन में नजर आ रहे। 1.5 मिनट के टीजर में बहुत ज्यादा कहानी तो नहीं बताई गई है, मगर शायद शर्वरी यानी वेदा अपने माहौल से निकलने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और जॉन अब्राहम से टकरा जाती है। कहानी में तमन्ना भाटिया जॉन अब्राहम की लव इंटरेस्ट या वाइफ के रोल में है। शर्वरी का काम मूवी में काफी दमदार नजर आ रहा है। जॉन उसे ट्रेनिंग देकर उसके अपने हालात से लड़ने के लिए तैयार करते हैं और उसके साथ उसकी लड़ाई का हिस्सा भी बनते हैं। मूवी में अभिषेक बैनर्जी और आशीष विद्यार्थी जैसे दो दमदार एक्टर वुलन के रोल में नजर आ रहे हैं, जो वेदा को रोकना चाहते हैं। जॉन की नई मूवी को निखिल आडवाणी ने डायरेक्ट किया है, जो उनके साथ पहले बाटला हाउस भी बना चुके हैं। इन दोनों की जोड़ी पिछले बार बॉक्स ऑफिस पर फायदेमंद साबित हुई थी। इस बार ये दोनों क्या कमाल करते हैं, ये जल्द ही थिएटर्स में पता चल जाएगा। पठान में सुपर एक्शन स्टाइल में आने के बाद जॉन थिएटर से दूर चले गए थे। उनके फैंस के लिए उनकी ये नई मूवी बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होगी। वेदा 15 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। जॉन अब्राहम की अपकमिंग मूवी वेदा को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। कुछ दिनों पहले खबरें आई कि इसे बिना किसी कट के पास कर दिया गया है, मगर सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल सेंसर बोर्ड ने मूवी वेदा को यूए सर्टिफिकेट दे दिया है, यानी इस मूवी को 12 साल से कम उम्र के बच्चे किसी बड़े के निगरानी में देख सकते हैं। सेंसर बोर्ड ने मूवी से 9 मिनट 14 सेकंड के सीन्स काटे हैं। इसके अलावा बोर्ड ने एक डिस्क्लेमर जोड़ने का भी आदेश दिया है। मूवी में क्या क्या बदलाव हुए हैं, आइए जानते हैं।
बॉलीवुड हंगामा में छपी रिपोर्ट के मुताबिक वेदा के मेकर्स को मूवी की शुरुआत में 1 मिनट 16 सेकंड मॉडिफाइड डिस्क्लेमर और वॉइस ओवर जोड़ने के लिए कहा गया है। मूवी में एक डायलॉग है जो कथित रूप से महिलाओं और सामाजिक रूप से अपमानजनक है, उसे भी मॉडिफाई करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा 2 मिनट 16 सेकंड लंबे फांसी वाले सीन को डिलीट करवा दिया गया। मूवी में जोधपुर हाईकोर्ट का जिक्र है, उसे जोधपुर म्यूट करने के लिए कहा गया है। साथ ही कोर्ट परिसर में हिंसा वाले सीन को 30% कम करने के लिए कहा गया। ये सब हटाने के लिए मेकर्स को मूवी से 6 मिनट 14 सेकंड के सीन्स हटाने पड़ेंगे। हंगामा की रिपोर्ट में बताया गया है कि मूवी का एक कैरेक्टर मोबाइल फोन से ऑडियो ट्रैक में संस्कृत के श्लोक सुनाता है, सेंसर बोर्ड ने उसे भी डिलीट करवा दिया है। मूवी में एक गाली है, उसे भी रिप्लेस करवा दिया गया है। सेंसर बोर्ड ने मूवी के नोट फाड़ने वाले एक सीन को भी ब्लर करने का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा एक डायलॉग ब्राह्मण का बेटा और शूद्र का बेटा को भी डिलीट करवा दिया गया है। रिवाइजिंग कमेटी में पद्मश्री रमेश थी, वो हमेशा उन फिल्मों को सर्टिफिकेट देने के लिए जाने जाते हैं जिस पर एग्जामिन कमेटी ने आपत्ति जताई होती है। इसमें कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी हमारे 12 भी शामिल है। कुल मिलाकर सेंसर बोर्ड ने मूवी से 9 मिनट 14 सेकंड कम करवा दिए हैं। अब वेदा का रन टाइम हो गया है 2 घंटे 30 मिनट का। ये मूवी 15 अगस्त को रिलीज के लिए स्केड्यूल है। वेदा में जॉन अब्राहम के साथ शर्मिली वाघ, तमन्ना भाटिया, आशीष विद्यार्थी, अभिषेक बैनर्जी और कुमुद मिश्रा जैसे एक्टर्स काम कर रहे हैं। मूवी को निखिल अडवाणी ने डायरेक्ट किया है। इसके पहले निखिल और जॉन बाटला हाउस में साथ काम कर चुके हैं। जॉन अब्राहम इन दिनों अपनी मूवी वेदा का प्रमोशन कर रहे हैं। रिसेंटली ट्रेलर रिलीज वेदा, इसी ट्रेलर में सवाल किया गया पर मने नहीं जावे कोई, ड्रोन धड़क गए। मजाक मजाक में पत्रकारों को धमकियां भी दे डाली। वेदा के कंटेंट को रिपीट बोलने वाले सवाल पर ड्रोन धड़क गए। उन्होंने लोहे का तमाम तक कह दिया। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल वेदा के ट्रेलर लॉन्च के बाद सिर्फ चंद लड़की आती के बाद अब जॉन अब्राहम की मूवी वेदा का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। मूवी को सेंसर ने भी क्लियर कर दिया है और अब ये 15 अगस्त को रिलीज के लिए तैयार है। मूवी में शर्वरी वाघ भी है, मूवी में अभिषेक बैनर्जी और तमन्ना भाटिया भी हैं। निखिल अडवाणी के निर्देशन में बनी वेदा पहले 12 जुलाई को आने वाली थी, लेकिन बाद में मेकर्स ने इसे 15 अगस्त के लिए पोस्टपोन कर दिया। वेदा को असल कहानी से इंस्पायर भी बताया जा रहा है। वेदा का ट्रेलर फैंस को काफी पसंद आया है। जॉन अब्राहम के साथ शर्वरी वाघ के अंदाज ने उन्हें हैरान कर दिया है। कुछ डायलॉग्स की भी तारीफें हो रही हैं, जिनकी झलक ट्रेलर में देखने को मिली है। मसलन, हार भले हो, मैं लड़कर हारना चाहती हूँ। फैंस का कहना है कि शर्वरी के इस डायलॉग को सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वेदा एक व्यक्ति की शक्ति और बहादुरी की कहानी है। ये एक विद्रोह की कहानी है जो एक कठोर व्यवस्था को चुनौती देती है। एक युवा महिला की कहानी भी है जिसने एक ऐसे व्यक्ति से संघर्ष किया, उसका नेतृत्व किया और उसका समर्थन किया जिसे वो अपना रक्षक मानती थी और फिर वही उसका हथियार बन गया। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने वेदा को न्याय दिलाने में उसकी बहुत मदद की। मालूम हो कि वेदा को अभी तक सेंसर बोर्ड से रिलीज की मंजूरी नहीं मिली थी, उसे सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। इससे कयास लगाए जा रहे थे कि मूवी की रिलीज टल सकती है।
सेंसर बोर्ड का रवैया देख मेकर्स भी नाराज थे और उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर कहा था कि उन्होंने सभी नियमों का पालन करते हुए मूवी की रिलीज के 8 हफ्ते पहले सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दिया था। सेंसर बोर्ड ने मूवी 25 जून को ही देख ली थी लेकिन रिव्यू कमेटी के पास अटकी थी। अब आखिरकार इसका रास्ता भी साफ हो चुका है और अब वेदा बिना किसी रुकावट के 15 अगस्त को रिलीज के लिए रेडी है। फिल्म निर्माता ने असीम अरोड़ा की स्क्रिप्ट पर बेस्ड वेदा का निर्देशन किया है। मूवी का निर्माण जी स्टूडियो अडवाणी की एमए एंटरटेनमेंट और अब्राहम की जे एंटरटेनमेंट ने किया है। निखिल का कहना है वेदा सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, हमारे सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है और रियलिटी की सीमाओं को तोड़ती है। जॉन शर्वरी और अभिषेक बैनर्जी के साथ काम करना एक अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस रहा है और मुझे आखिरकार रिलीज की तारीख की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है और उम्मीद है कि ऑडियंस भी उसी तरह भावुक होगी जैसे हम सभी हुए थे जब हमने पहली बार वेदा की कहानी सुनी थी। जी स्टूडियो के सीईओ शारिक पटेल ने कहा कि वो प्रोडक्शन मैनेजर द्वारा मूवी के लिए अडवाणी और अब्राहम के साथ सहयोग को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। मूवी अपनी आकर्षक कहानी और शानदार अभिनय से ऑडियंस को लुभाने का वादा करती है। जॉन और निखिल के साथ सहयोग ने कोलैबोरेशन की एक नई परत जोड़ दी है और हमें मूवी रिलीज होने की खुशी हो रही है। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की स्त्री टू का ट्रेलर आ चुका है जिसे देख कर जनता तो बम बम हो गई है। पिक्चर 15 अगस्त को रिलीज के लिए शेड्यूल है। मसला ये है कि इसका क्लैश होगा अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर मूवी खेल खेल में और जॉन अब्राहम की वेदा से। ऐसे में तीनों ही फिल्मों को नुकसान होने की संभावना है। जब इस क्लैश पर स्त्री टू के प्रोड्यूसर ज्योति देश पांडे से पूछा गया तो उन्होंने मजेदार जवाब दिया। स्त्री टू के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर मूवी की पूरी स्टार कास्ट टीम डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मौजूद थे। दिनेश के साथ को प्रोड्यूसर ज्योति देश पांडे भी इस मौके पर मौजूद थी। जब मूवी के क्लैश को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, हम श्रद्धा के दिनों में रमजान में IPL में या तब अपनी फिल्में रिलीज नहीं कर पाते जब कोई खान यानी शाहरुख खान सलमान खान अपनी फिल्मों को रिलीज करते हैं, ऐसे में हमारे पास सिर्फ 20 हफ्ते ही बचते हैं तो क्लैश तो होना ही है, बस बचता वही है जो बेस्ट होता है, यही जंगल का नियम है। 15 अगस्त के दिन कई सुपरस्टार्स अपनी किस्मत आसमाने उतर रहे हैं। इस दिन कई बड़ी फिल्मी सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। फिल्मों को लेकर तगड़ा बज बना हुआ है। जो तीन बॉलीवुड फिल्में इस दिन आने वाली है उसमें अक्षय कुमार की खेल खेल में जॉन अब्राहम की वेदा और श्रद्धा कपूर की स्त्री टू है। इन तीनों ही फिल्मों के ट्रेलर आ चुके हैं जिन्हें लोगों का गजब का रिस्पांस मिला है। इस महाक्लैश के लिए फैंस काफी एक्साइटेड है। हालांकि सिनेमा प्रेमियों के लिए ये दिन एकदम जबरदस्त होने वाला है। हाल ही में न्यूज 18 से बातचीत करते हुए खिलाड़ी कुमार ने जॉन अब्राहम की वेदा और अपनी खेल खेल में के क्लैश को लेकर खुलकर बात की। अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। वो गरम मसाला और देसी बॉयज जैसी फिल्मों में साथ दिखे थे। फिल्मों के क्लैश को लेकर अक्षय कुमार ने कहा कि हाँ हम जल्द ही फिर से काम करेंगे, उम्मीद है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम करीबी दोस्त हैं, बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के क्लैश होते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ टक्कर है, कोई क्लैश नहीं। ये पहली बार नहीं है कि 15 अगस्त पर अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकरा रही हैं। इस साल तीसरी बार ऐसा होने जा रहा है जब दोनों आमने सामने होंगे। साल 2018 में अक्षय कुमार की गोल और जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते ने टिकट काउंटरों पर भिड़ंत की। उसके बाद 15 अगस्त को मिशन मंगल और बाटला हाउस से भिड़ंत हुई। हालांकि 2019 के टकराव के दौरान जॉन और अक्षय ने एक प्रमोशनल वीडियो भी जारी किया था, साथ ही उनकी दोनों फिल्में देखने की रिक्वेस्ट भी की थी। बॉक्स ऑफिस पर 15 अगस्त के दिन राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की स्त्री टू के साथ जॉन अब्राहम की वेदा और अक्षय कुमार की खेल खेल में भी रिलीज होने वाली है। ऐसे में तीनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है, जहां स्त्री टू के टिकट्स की एडवांस बुकिंग ने ब्रह्मास्त्र का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वहीं वेदा खेल खेल में को कड़ी टक्कर दे रही है। आइए आपको दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट बताते हैं। जॉन अब्राहम की इस मूवी में शर्वरी बाग, तमन्ना भाटिया और अभिषेक बैनर्जी मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस मूवी का निर्देशन निखिल आडवाणी ने किया है और इसका निर्माण जे एंटरटेनमेंट, एमए एंटरटेनमेंट और जी स्टूडियोज ने किया है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार शाम 4:02 तक मूवी की 6,649 टिकट्स बिकी हैं और इन टिकट्स के बिकने की वजह से मूवी ने रिलीज से पहले 19.97 लाख रुपए की कमाई कर ली है। अक्षय कुमार के साथ खेल खेल में वाणी कपूर, तापसी पन्नू, एमी विर्क, फरदीन खान, प्रज्ञा जायसवाल और आदित्य सील मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस मूवी का निर्देशन मुदस्सर अजीज ने किया है और इसका निर्माण वाइट वॉल प्रोडक्शंस, वकाओ फिल्म्स और टी सीरीज ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक खबर लिखने तक मूवी ने एडवांस बुकिंग के जरिए 2,735 टिकट्स बेचकर 11.55 लाख रुपए का कारोबार कर लिया। यानी एडवांस बुकिंग के मामले में जॉन की वेदा ने अक्षय की खेल खेल में को पीछे छोड़ दिया है। मूवी के बारे में बात करते हुए निखिल आडवाणी ने मीडिया को बताया, जब मैंने मूवी लिखी और जब मैं मूवी बना रहा था और उसका एडिटिंग कर रहा था तो मुझे पता था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मूवी में जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं और जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी डिफिकल्ट हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी मूवी है, बड़े पैमाने पर मास कमर्शियल मूवी है, लेकिन इसके दिल में एक कठिन कहानी है। वेद की जर्नी एक कठिन जर्नी है, उन्होंने आगे कहा। लेकिन मैं एक्चुअल में इस बात की सराहना करना चाहूंगा कि जब CBFC की रिवाइजिंग कमेटी ने मूवी देखी तो उन्होंने हमें UA सर्टिफिकेट दे दिया, क्योंकि उनका मानना था कि सभी को ये मूवी देखनी चाहिए। आडवाणी ने ये भी कहा कि उन्हें देरी का अनुमान था, उन्होंने हमें बताया एक प्रक्रिया है और कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनका आपको पालन करना होता है और हम ये जानते थे, यही कारण है कि हमने 8 सप्ताह पहले ही आवेदन कर दिया था। जॉन अपनी अपकमिंग मूवी वेदा की शूटिंग के लिए जोधपुर पहुंचे थे। 1 महीने तक जोधपुर में इस मूवी की शूटिंग हुई थी। इसमें बंटी बबली टू फेम एक्ट्रेस शर्वरी वाघ मूवी में मुख्य भूमिका में है। मूवी की शूटिंग MBM इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई थी। गौरतलब है कि इससे पहले भी जॉन अब्राहम 2017 में परमाणु दी स्टोरी ऑफ पोकरण की शूटिंग के दौरान जोधपुर आए थे। ये मूवी की शूटिंग के लिए पोकरण गए थे। बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम हाल ही में शाहरुख खान के साथ मूवी पठान में नजर आ चुके हैं। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी इस मूवी में जॉन ने विलेन की भूमिका निभाई थी, जिसे ऑडियंस और क्रिटिक्स द्वारा बहुत ही पसंद भी किया गया था। बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड मूवी वेदा को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। ऑडियंस को भी मूवी का बेसब्री से इंतजार है। मूवी का प्रचार जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है। वहीं अब ऑडियंस के बीच एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए निर्माताओं ने मूवी से नया गाना रिलीज कर दिया है। मूवी के नए गाने का टाइटल जरूरत से ज्यादा है, एक दिल छू लेने वाला रोमांटिक ट्रैक है। वेदा का नया गाना जरूरत से ज्यादा YouTube पर रिलीज हो गया है, जिसमें जॉन अब्राहम अभिमन्यु के रूप में अपनी प्रेमिका को खोने का शोक मनाते नजर आए। उनकी प्रेमिका का किरदार तमन्ना भाटिया ने निभाया है। 10 अगस्त को रिलीज हुआ ये गाना तमन्ना और जॉन के प्रेम की गहराई पर बेस्ड है, जो बेहद भावनात्मक गीत है। इस गाने में जॉन अब्राहम मेजर अभिमन्यु के रूप में सेना की वर्दी पहने हुए हैं, जो तमन्ना के किरदार को गंभीर रूप से घायल अवस्था में देखते हैं। ट्रैक में जॉन और तमन्ना के किरदारों के बीच प्यार को दिखाया गया है। फ्लैशबैक सीन में कपल शादी कर लेता है और अपनी जिंदगी की नई जर्नी स्टार्ट करता है। वर्तमान समय में अभिमन्यु अलाप के पास बैठकर अपने प्यार को याद करता है। अभिमन्यु अपने प्यार के खोने का गम सहने के लिए हालातों से लड़ रहा है। जी म्यूजिक कंपनी के आधिकारिक हैंडल ने इंस्टाग्राम पर जरूरत से ज्यादा का वीडियो शेयर किया है। कैप्शन में लिखा है, जब प्यार चला जाता है तो सिर्फ आंसू रह जाते हैं। जरूरत से ज्यादा एक ऐसा राग जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हो सकता था। दिल को छू लेने वाले गाने जरूरत से ज्यादा को गायक अरिजीत सिंह और अमाल मलिक ने गाया है। गीत के बोल कुणाल वर्मा ने लिखे हैं। जॉन अब्राहम ने सॉन्ग लॉन्च के मौके पर जरूरत से ज्यादा गाने के बारे में बात करते हुए कहा कि ये गाना वेदा में जान डाल देता है और उनके किरदार के भावनात्मक और रोमांटिक रूप को सामने लाता है। उन्होंने ये भी कहा, एक ऐसा गाना है जो प्यार के सबसे शुद्ध रूप को दर्शाता है, जो दिखाता है कि मूवी सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं बल्कि प्यार के बारे में भी है। जॉन अब्राहम और शर्वरी वाघ स्टारर मूवी वेदा मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। दोनों के फैंस उनकी इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये दोनों की साथ में पहली मूवी है जिसमें वो एक साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं।
इस मूवी में एक बार फिर जॉन का एक्शन अवतार देखने को मिलेगा। थर्सडे को वेदा का ट्रेलर रिलीज किया गया था जिसे ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। अब इस मूवी का गाना होलियान रिलीज कर दिया गया है। इस गाने में एक्ट्रेस ने अपने डांस से हर किसी को हैरान कर दिया। फैंस को उनके डांस मूव्स काफी पसंद आ रही हैं। जॉन शर्वरी की मूवी का गाना होलियान एक क्लासिक होली ट्रैक होलिया में उड़े रे गुलाल का कंटेम्प्रेरी वर्जन है। अब वेदा का ये गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इस नए और वाइब्रेंट वर्जन में शर्वरी वाघ अपने बेहतरीन डांस मूव्स दिखाते हुए नजर आ रही है। इस गाने को निकिता गांधी और आशा सपेरा ने अपनी आवाज दी है। वहीं युवा ने इसे कंपोज किया है और आरुषि कौशल ने इसके लिरिक्स लिखे हैं। दो दिन पहले जारी किए गए ट्रेलर में जॉन का एक्शन अवतार देखने को मिला था। ऑडियंस ने उनके मूव्स और फिल्म के डायलॉग्स की खूब तारीफ की थी। वहीं शर्वरी वाघ भी इसमें जमकर एक्शन करती नजर आई है। अब फैंस बस इसकी रिलीज का वेट कर रहे हैं। बहुत लंबे वक्त से मुख्य धारा का हिंदी सिनेमा जाति व्यवस्था पर तीखी टिप्पणी करने से बचता रहा है। लोग ऐसे में तमिल सिनेमा का रुख करते हैं। पारनजीत से लेकर वेट्री मारन की डाइवोर्स सिनेमा को कोट करते आए हैं। निखिल अडवाणी ने अब इसी टॉपिक को अपने ढंग से दिखाने की कोशिश की है और वेदा नाम की मूवी बनकर रेडी हुई। कुछ और जगहों पर वो सही से कोट कर पाए और कुछ पॉइंट्स पर अनंत काल वाली गलतियां कर बैठे। कहानी खोलती है राजस्थान के बाड़मेर से। वेदा कथित नीचे जाति से आती है जिस शीशे में अपना चेहरा देखकर कॉलेज के लिए निकलती है उस पर डॉक्टर अंबेडकर की फोटो चिपकी है। कॉलेज में पानी पीने के लिए सूखे गंदे घड़े का रुख करना पड़ता है। दुनिया ने वेदा को सिखाया कि तुमको ऐसे देखना है ऐसे चलना है लेकिन एक चीज पर किसी का जोर नहीं चला। वेदा को बॉक्सिंग का चस्का लग गया। उसे भी कॉलेज में बॉक्सिंग सीखनी है। यहाँ एंट्री होती है अभिमन्यु की। वो आर्मी ऑफिसर था, किसी वजह से कोर्ट मार्शल करके सेना में बर्खास्त कर दिया गया। अब वेदा के कॉलेज में बॉक्सिंग सिखाने आया है। ये दोनों तो अच्छे लोग हुए। कहानी में विघ्न डालने के लिए विलेन तो चाहिए, तो उसके लिए अभिषेक बैनर्जी है जिसका नाम जितेंद्र है मूवी में। विलेन की जगह उन्होंने अच्छे से भरी है। जितेंद्र प्रधान है और कथित ऊंची जाति का आदमी है। जाति के दंभ में वो कुछ ऐसा करता है कि वेदा और अभिमन्यु का दुश्मन बन जाता है। आगे दोनों उससे बचते हैं, लड़ते हैं। इस दौरान वेदा अपने लिए न्याय की परिभाषा कैसे बोलती है, यही मूवी की कहानी है। मूवी अपने मैसेज को लेकर कैसा स्टैंड रखती है, अगर आपको ये समझना है तो ऑडियो वीडियो वाले मीडियम सिनेमा के इन्हीं दोनों पक्षों पर ध्यान दीजिए। मूवी में एक सीन है जहां वेदा अपने कॉलेज आ रही है। पीछे से प्रधान का छोटा भाई अपनी गाड़ी लेकर आता है और उसका एक्सीडेंट कर देता है। सीन यहीं पर खत्म नहीं होता। आगे वो उसे इस बात की सजा देता है कि उसने बॉक्सिंग सीखने की जरूरत कैसे की। प्रधान के भाई और उसके दोस्त वेदा को घेर लेते हैं। अब अचानक से सिनेमेटोग्राफर मल्य प्रकाश का कैमरा दूर चला जाता है। बड़ी दूर से दिखता है कि प्रधान का भाई वेदा को मुक्के से मार रहा है। बैकग्राउंड में कोई आवाज नहीं आ रही, एक अजीब सा सन्नाटा है। मूवी इस पॉइंट पर एक मूक दर्शक बनी हुई है जिसे दूर से कुछ ऐसा होता दिखाई दे रहा है पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा या वो सुनना नहीं चाहता। वेदा बनी शर्वरी बाघ की एक्टिंग हर प्रोजेक्ट के साथ बेहतर होती जा रही है। यहाँ वो सही मात्रा में इमोशंस को अपने चेहरे पर दिखाती है। किसी भी पॉइंट पर उसे गैर जरूरी ढंग से ड्रामेटाइज नहीं करती। बाकी जॉन अब्राहम की फिल्मों के अधिकांश मेकर्स ने उन्हें इस्तेमाल करने का एक सेट पैटर्न बना लिया है। गिनती के डायलॉग, एक्शन सीन में बाइसेप दिखानी है और हमेशा सीरियस दिखाना है। जॉन वेदा में भी यही कर रही है। बाकी प्रधान के रोल में अभिषेक बैनर्जी ने अच्छा काम किया है। वो ऐसे पॉलिटिशियन बन जाते हैं जिसे अपनी राजनीति चमकानी आती है। बाहर से लोगों का लीडर बनने का और अंदर से कुछ और ही है। अभिषेक इन दोनों पक्षों को बैलेंस करके रखते हैं। टिपिकल हिंदी मूवी के विलेन की तरह लाउड हो सकते थे लेकिन वो सटल बने रहते हैं। वेदा के साथ एक समस्या भी है, मूवी अपना हीरो सही से चुन नहीं पाती। ये वेदा का ही संघर्ष है मगर कई मौकों पर जॉन अब्राहम की फैन सर्विस की गई है।
जैसे एक जगह अभिमन्यु एक पार्टी में जाकर प्रधान के भाई और उसके दोस्तों को पीट कर आ जाता है। उस सीन से कहानी में कुछ खास नहीं जुड़ता। मूवी में कुछ और ऐसे सीन है जहां जातीय भेदभाव को कॉल आउट किया गया है, तब भी कैमरा और साउंड के साथ मेकर्स ने कुछ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किए हैं। यहाँ सिनेमेटोग्राफर की एक बार फिर बात करनी होगी। कहानी की शुरुआत में बेदा दिशाहीन होती है, उसके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, लेकिन मन की टीस को कहाँ लेकर जाए ये बताने वाला कोई नहीं है। इस दौरान कुछ सीन्स में वेदा को डच एंगल में शूट किया गया है। यहाँ फ्रेम थोड़ा टेढ़ा दिखता है। डच एंगल के जरिए किरदारों की मनोदशा दर्शाई जाती है कि कैसे वो किसी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुँचे है या असमंजस में है। जब वेदा अपने लिए रास्ता बना लेती है उसके बाद डच एंगल गायब हो जाता है। बस ऑडियंस को जॉन के बाइसेप्स के भरपूर दर्शन होते हैं। ये हीरो फिक्स ना कर पाने का सबसे ज्यादा नुकसान क्लाइमेक्स में होता है। उसी के चलते मूवी का क्लाइमेक्स अपने मैसेज से आपको हिट नहीं कर पाता। इस साल का सबसे बड़ा क्लैश हो चुका है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की जोड़ी अपनी मूवी स्त्री के साथ बड़े पर्दे पर दस्तक दे दी है। उनके रास्ते का अड़ोड़ा बनकर खड़े हैं अक्षय कुमार, जिनकी मल्टी स्टारर मूवी खेल खेल में की टक्कर स्त्री 2 से हुई है। तो वहीं जॉन अब्राहम भी वेदा के साथ दोनों फिल्मों से टकराए हैं। ऐसे में सभी के मन में सवाल है कि पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई का रिकॉर्ड आखिर कौन बनाएगा। स्त्री 2 वेदा और खेल खेल में 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। तीनों फिल्मों के स्टार्स और मेकर्स कौन से उम्मीद है। अलग अलग फ्लेवर और ऑडियंस वाली फिल्मों की कमाई पर सवाल बना हुआ है। टक्कर में किसकी जीत होगी और कौन पीछे रह जाएगा, किसे अच्छे रिव्यू मिलेंगे, कौन सी मूवी दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाएगी, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस बीच इसके पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर भी बातचीत हो रही है। तीनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग कुछ दिन पहले ही शुरू हुई थी। इसके नंबर्स पर ध्यान दिया जाए तो स्त्री 2 वेदा और खेल खेल में से आगे चल रही है। मेकर्स ने अपनी फिल्मों को तगड़ी शुरुआत देने के लिए 14 अगस्त की शाम इसके पेड प्रीव्यू भी रखे। ट्रेड रिपोर्ट्स की माने तो ट्यूसडे 13 अगस्त की रात तक श्रद्धा कपूर की इस मूवी ने नेशनल चेन्स में 2 लाख से ज्यादा टिकट्स की एडवांस बुकिंग कर ली है। ये आंकड़ा 15 अगस्त की एडवांस बुकिंग का है। इसमें अगर 14 अगस्त के पेड प्रीव्यू मिलाए जाए तो ये आंकड़ा बढ़कर 2,60,000 से ज्यादा टिकट हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार ओवरऑल स्त्री 2 के लिए 3,80,000 से ज्यादा टिकट्स बुक हो चुके हैं और इससे पहले मूवी ने 11 करोड़ रुपए से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन एडवांस बुकिंग में कर लिया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि स्त्री 2 को 40 करोड़ रुपए की ओपनिंग बॉक्स ऑफिस पर मिल सकती है। ये साल 2024 की सबसे बड़ी ओपनिंग होगी। अक्षय कुमार की खेल खेल में और जॉन अब्राहम की वेदा की बात करें तो इन दोनों के हाल एडवांस बुकिंग में कुछ खास नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि इन्हें अच्छी कमाई करने को मिलेगी। धीरे धीरे दोनों का बज़ भी बन रहा है। रिपोर्ट के अनुसार खेल खेल में की अभी तक नेशनल ट्रेन्स में 18,000 से टिकट्स बुक हुए हैं। ऐसे में इसकी एडवांस बुकिंग का आंकड़ा 66 लाख रुपए हो गया है। तो वहीं वेदा के हिंदी और तमिल भाषा को मिलाकर 26,000 से ज़्यादा टिकट्स बुक हुए हैं। इस मूवी की एडवांस बुकिंग 65.23 लाख रुपए हुई है। अब देखना होगा कि 15 अगस्त के दिन ये तीनों फिल्में क्या कमाल करती हैं। वेदा से पहले निखिल और जॉन बाटला हाउस में साथ काम कर चुके हैं। दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। निखिल और जॉन एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी है। जॉन अब्राहम इन दिनों अपनी मूवी वेदा का प्रमोशन कर रहे हैं। हाल ही में इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है, उसके बाद से तमाम प्रमोशनल इंटरव्यूज और इवेंट्स चल ही रहे हैं। जॉन ऐसे ही एक इवेंट में पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने मूवी के कंटेंट, उसके इर्द गिर्द होने वाली कंट्रोवर्सी और फिल्मों पर पड़ने वाले उसके असर पर बात की। जॉन का कहना है कि मूवी अच्छी है तो चलेगी, उसे कोई कंट्रोवर्सी नहीं रोक सकती। इस पर जॉन ने शाहरुख खान की पठान का एग्जाम्पल भी दिया। साथ ही जॉन ने सोशल मीडिया पर मूवी के प्रमोशन के लिए रील बनाने वालों को भी आड़े हाथों ले लिया। जॉन अब्राहम अमर उजाला के इवेंट में पहुंचे थे।
यहाँ उनसे पूछा गया कि आजकल फिल्मों को लेकर बॉयकॉट और कंट्रोवर्सी आम बात हो गई है, ऐसे में क्या एक फिल्म मेकर पर मूवी के विषय को चुनना बहुत ही प्रेशर वाला काम होता है। इसके जवाब में जॉन ने कहा, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, ये बहुत सिंपल है, अगर आपकी मूवी बहुत अच्छी है तो वो चलेगी, अगर अच्छी नहीं है तो आप कितनी भी मार्केटिंग कर लो वो नहीं चलने वाली। ऑडियंस भगवान है और वही किंग है। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि हम सब खूब मेहनत करते हैं, अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए मॉल जाते हैं, ये सब चीज़ें मूवी की मदद नहीं करती है, मूवी अच्छी है तो चलेगी। जॉन ने अपनी मूवी पठान का जिक्र करते हुए कहा, पठान एंटरटेनिंग थी इसलिए वो चली, फिल्मों पर विवाद और कंट्रोवर्सी होती रहेंगी लेकिन आपकी मूवी अच्छी है तो उसको चलना तय है। अगर आपकी मूवी को लेकर कोई कंट्रोवर्सी हुई मगर वो मूवी बुरी है तो नहीं चलने वाली। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि इंस्टाग्राम पर रील बनाऊं, आप ये करो आप वो करो, मेरा इस पर कहना है कि ये सब करने का पॉइंट क्या है, अगर आपकी मूवी अच्छी नहीं है आपका जो क्राफ्ट है उसे बेहतर नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें, आपकी फिल्मोग्राफी अच्छी नहीं है तो फिर इंस्टाग्राम रील क्या फ़ायदा करेगा, ये सब फालतू है। लोग मुझे पुराने ख्यालों वाला बोलते हैं क्योंकि ना मेरे पास व्हाट्सएप है ना मेरे फ़ोन पर कोई सोशल मीडिया है, हालांकि ये मेरी पर्सनल चॉइस है। जॉन अब्राहम की वेदा जाति व्यवस्था पर बात करने वाली हार्ड हिटिंग मूवी लग रही है, यही वजह रही है कि इस मूवी को सेंसर बोर्ड ने लंबे समय तक लटकाए रखा। इस मूवी पर मेकर्स की तरफ से सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट भी शेयर किया गया था मगर मामले को तुल पकड़ता देख CBFC ने फटाक से इस मूवी को सेंसर सर्टिफिकेट भी दे दिया। जॉन अब्राहम की नई मूवी वेदा आने वाली है इन दिनों, वो इसके प्रमोशन में जुटे हैं, ऐसे ही एक प्रमोशनल इवेंट में उन्होंने शाहरुख खान की और YRF के आदित्य चोपड़ा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी शेयर किया। उन्होंने बताया कि अपनी फिल्मों को लेकर आदित्य काफ़ी सख्ती बरतते हैं, वो अपनी फिल्म में किसी को नहीं दिखाते। जॉन ने यशराज फिल्म्स की पठान में विलन का रोल किया था। जॉन ने रणवीर के पॉडकास्ट में इस बारे में बात की, उनसे पूछा गया कि जब पठान हिट हुई तो उनकी शाहरुख खान से क्या बात हुई। इसके जवाब में जॉन ने कहा, हम लोग साथ में थे, हमने मूवी देखी और एहसास हुआ कि इस मूवी में कुछ बहुत अच्छा है, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहा ये बहुत सही है। आदित्य चोपड़ा बहुत स्ट्रिक्ट है, किसी को मूवी नहीं दिखाते, सिर्फ शाहरुख खान को दिखाते हैं। मुझे मूवी की जो भी जानकारी मिलती वो शाहरुख खान से मिलती थी, मूवी रिलीज़ के पहले मैं उनसे पूछता कि कैसी मूवी है, शाहरुख सारी जानकारी मुझे देते थे, वो बहुत प्यारे इंसान हैं। पठान इसलिए चली क्योंकि हमारी एनर्जी एक बराबर थी, शाहरुख मेरे जज थे। जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ और पठान के साथ मैं उनके साथ काम कर रहा था, उनके लिए इज्जत और प्यार दोनों हैं, वो बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट हैं लेकिन वो बहुत क्यूट और केयरिंग इंसान भी हैं, उनकी बहुत सारी स्पेशलिटी है। पठान में जॉन ने शाहरुख के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर किया था, इस मूवी में उन्होंने जिम का रोल प्ले किया था जो भारतीय सीक्रेट सर्विस एजेंसी रॉ से बदला लेना चाहता है। मूवी में शाहरुख और जॉन के साथ दीपिका पादुकोण भी अहम किरदार में थे। सलमान खान ने टाइगर के किरदार में कैमियो किया था। पठान को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया था। 240 करोड़ के बजट में बनी पठान ने भारत में करीब 540 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। खैर अगर वेदा की बात करें तो इस मूवी में जॉन अब्राहम के साथ शर्वरी वाघ, तमन्ना भाटिया, आशीष विद्यार्थी, अभिषेक बैनर्जी और कुमुद मिश्रा जैसे एक्टर्स काम कर रहे हैं। जॉन अब्राहम इन दिनों अपनी मूवी वेदा के प्रमोशन में बिजी है। ऐसे ही एक प्रमोशन में जॉन ने बताया कि एक वक्त था जब इंडस्ट्री से जुड़े लोग उन्हें नापसंद करते थे। जॉन ने कहा, लोग बेवजह बुराइयां करते हैं, उनके पास आपसे नफरत करने या आपको नापसंद करने की कोई वजह नहीं होती मगर फिर भी वो आपकी बुराई करते हैं। पिछले दिनों जॉन द रणवीर शो हिंदी पर पहुंचे थे जहां उन्होंने उस वक्त की बात की जब उनकी फिल्में नहीं चल रही थी। चैट शो कॉफी विद कारण पर भी उन्होंने बात किया। जब जॉन से पूछा गया कि क्या ऐसा वक्त भी था जब लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, उन्हें सफल होते हुए नहीं देख सकते थे, तो जॉन बोले, सिर्फ कॉफी विद कारण ही नहीं बल्कि उस वक्त पर कई सारी फिल्म मैगजीन मेरे खिलाफ लिखती थी। मुझे याद है उस वक्त एक बहुत बड़ी फिल्म मैगजीन के बहुत बड़े एडिटर थे, उन्होंने एक एडिशन निकाला था जिसके कवर पेज पर मैं था, उस पर लिखा था जॉन अब्राहम का करियर खत्म। उस वक्त
सारे डायरेक्टर, एक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोड्यूसर सबसे उन्होंने इंटरव्यू लिया और सब सहमत थे। जॉन ने आगे कहा, जिस एडिटर ने वो एडिशन निकाला था वो आज मेरा प्रोड्यूसर है। मैंने ये सवाल उससे कभी नहीं किया कि आपने ऐसा क्यों किया, बल्कि उन्होंने सामने से मुझे बताया कि मैं आपको सफल होते नहीं देखना चाहता था। मैंने पूछा क्यों, तो बोले बस ऐसे ही, उनके पास कोई वजह नहीं थी इसकी। जॉन आगे जोड़ते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास कोई वजह नहीं होती आपसे नफरत करने की, मगर वो फिर भी आपसे नफरत करते हैं। हो सकता है उनके घर में, उनकी पर्सनल लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चलती, इसलिए उनका ऐसा बर्ताव होता है। आज इसे ट्रोलिंग कहते हैं। उन ट्रोल्स के पास कोई वजह नहीं होती, बस वो ऐसे ही बैठकर आपको ट्रोल करते हैं। आपको बस अपना काम करना है। मैंने भी अपने काम पर फोकस किया। मैं खुद को घोड़ा समझता हूँ जो सिर्फ आगे देखता है। इसी इंटरव्यू में जॉन ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार को कुछ नया लाइए वाले सवाल पर डांटा था, उसे बेवकूफ बुलाया। जॉन ने कहा कि उस पत्रकार को इसी काम के लिए बैठाया ही गया था, इसलिए उन्होंने वैसा ही जवाब दिया। कुछ दिनों पहले ही इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है, उसके बाद से जॉन प्रमोशनल इंटरव्यूज में जुटे हुए हैं। ऐसे ही एक प्रमोशनल पॉडकास्ट में उन्होंने पान मसाला ब्रांड को प्रमोट करने वाले एक्टर्स पर बात की, कहा कि वो कभी भी मौत नहीं बेचना चाहते, साथ ही मैं अपने फैंस के बीच रोल मॉडल बनना चाहता हूँ। जॉन ने रणवीर पॉडकास्ट में बात करते हुए कहा, मुझे वो एक्टर्स बिल्कुल सही नहीं लगते जो एक तरफ फिटनेस और हेल्थ की बात करते हैं लेकिन साथ ही पान मसाला का विज्ञापन भी करते हैं। मैं कभी भी मौत नहीं बेचूंगा, मुझे अपने फैंस का रोल मॉडल बनना है, क्योंकि मैं उन्हें जो उपदेश देता हूँ और उसे खुद फॉलो नहीं करूँगा यह गलत होगा। अगर मैं अपना जीवन ईमानदारी से जीऊँ और जो उपदेश देता हूँ उस पर खुद अमल करूँ तब तो मैं आइडल बनूँगा, लेकिन अगर मैं जनता के सामने अपना फेक वर्जन दिखाऊँ, उनकी पीठ पीछे अलग दिखूँ, इसे वो कभी ना कभी पहचान ही लेंगे। जॉन ने बातचीत में आगे ये भी कहा, लोग फिटनेस की बात करते हैं और कुछ लोग पान मसाला एंडोर्स करते हैं। मैं अपने सभी एक्टर दोस्तों से प्यार करता हूं और किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं, किसी और की नहीं, लेकिन मैं कभी भी मौत नहीं बेचूंगा क्योंकि ये उसूलों का सवाल है। क्या आप जानते हैं कि पान मसाला इंडस्ट्री का टर्नओवर 45,000 करोड़ रुपए है? इसका मतलब है कि इसे सरकार की भी सपोर्ट रही है, इसलिए ये लीगल है। इन कंपनीज को सपोर्ट ना करना मेरी पसंद है, लेकिन कुछ लोग इसे माउथ फ्रेशनर के बहाने से बेचते हैं। क्या ये सही है? आप मौत बेच रहे हो, आप इसके साथ कैसे रह सकते हो? इस पूरी बातचीत में जॉन ने किसी भी एक्टर का नाम नहीं लिया, हालांकि पान मसाला के विज्ञापन में अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ जैसे सितारे नजर आते हैं। एक ब्रांड के लिए अमिताभ बच्चन विज्ञापन किया था, लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी होने के बाद उन्होंने ब्रांड के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया। वहीं अब अक्षय ने भी अमिताभ की राह पर चलते हुए कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक तय समय के लिए होता है, इसी वजह से अक्षय अभी भी पान मसाले के विज्ञापन में दिखते हैं। इस साल का सबसे बड़ा क्लैश हो चुका है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की जोड़ी अपनी मूवी स्त्री के साथ बड़े पर्दे पर दस्तक दे दी है। उनके रास्ते का अड़ोड़ा बनकर खड़े हैं अक्षय कुमार, जिनकी मल्टी स्टारर मूवी खेल खेल में की टक्कर स्त्री 2 से हुई है, तो वहीं जॉन अब्राहम भी वेदा के साथ दोनों फिल्मों से टकराए हैं। ऐसे में सभी के मन में सवाल है कि पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई का रिकॉर्ड आखिर कौन बनाएगा? स्त्री 2, वेदा और खेल खेल में 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। तीनों फिल्मों के स्टार्स और मेकर्स कौन से उम्मीद है? अलग अलग फ्लेवर और ऑडियंस वाली फिल्मों की कमाई पर सवाल बना हुआ है। टक्कर में किसकी जीत होगी और कौन पीछे रह जाएगा? किसे अच्छे रिव्यू मिलेंगे? कौन सी मूवी दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाएगी? ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस बीच इसके पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर भी बातचीत हो रही है। तीनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग कुछ दिन पहले ही शुरू हुई थी। इसके नंबर्स पर ध्यान दिया जाए तो स्त्री 2, वेदा और खेल खेल में से आगे चल रही है। मेकर्स ने अपनी फिल्मों को तगड़ी शुरुआत देने के लिए 14 अगस्त की शाम इसके पेड प्रीव्यू भी रखे।
ट्रेड रिपोर्ट्स की माने तो ट्यूसडे 13 अगस्त की रात तक श्रद्धा कपूर की इस मूवी ने नेशनल चेन्स में 200,000 से ज़्यादा टिकट्स की एडवांस बुकिंग कर ली है। ये आंकड़ा 15 अगस्त की एडवांस बुकिंग का है। इसमें अगर 14 अगस्त के पेड प्रीव्यू मिलाए जाए तो ये आंकड़ा बढ़कर 260,000 से ज़्यादा टिकट हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार ओवरऑल 3-2 के लिए 3,80,000 से ज़्यादा टिकट्स बुक हो चुके हैं और इससे पहले मूवी ने 11 करोड़ रुपए से ज़्यादा ग्रॉस कलेक्शन एडवांस बुकिंग में कर लिया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 3-2 को 40 करोड़ रुपए की ओपनिंग बॉक्स ऑफिस पर मिल सकती है। ये साल 2024 की सबसे बड़ी ओपनिंग होगी। अक्षय कुमार की खेल खेल में और जॉन अब्राहम की वेदा की बात करें तो इन दोनों के हाल एडवांस बुकिंग में कुछ खास नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि इन्हें अच्छी कमाई करने को मिलेगी। धीरे धीरे दोनों का बज़ भी बन रहा है। रिपोर्ट के अनुसार खेल खेल में की अभी तक नेशनल ट्रेन्स में 18,000 से टिकट्स बुक हुए हैं। ऐसे में इसकी एडवांस बुकिंग का आंकड़ा 66,00,000 रुपए हो गया है। तो वहीं वेदा के हिंदी और तमिल भाषा को मिलाकर 26,000 से ज़्यादा टिकट्स बुक हुए हैं। इस मूवी की एडवांस बुकिंग 65.23 लाख रुपए हुई है। अब देखना होगा कि 15 अगस्त के दिन ये तीनों फिल्में क्या कमाल करती। शर्वरी वाघ और जॉन अब्राहम की मूवी वेदा सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है। मूवी के प्रमोशन के दौरान किसी ने जॉन अब्राहम से सवाल किया कि उनकी हर फिल्म में एक जैसे कॉन्सेप्ट पर क्यों होती है। इस पर जॉन ने कहा था कि इस सवाल से पहले आपको मूवी देखनी चाहिए। मैंने तो मूवी देख ली है और जैसा जॉन ने कहा था कि ये मूवी एकदम अलग है, ऐसा वाकई में है। साथ ही दोनों लीड कैरेक्टर्स की एक्टिंग भी कमाल की रही है। भारत को भाईचारे का देश माना जाता है। इस देश की खूबसूरती यही है कि यहाँ अलग अलग वर्ग जाति के लोग एक साथ रहते हैं। ये बात भारत की तारीफ में कही जाती रही है, लेकिन कितनी सच है ये भी देश का हर नागरिक जानता है। आज आधुनिकता के दौर में इंसान तरक्की कर रहा है, एडवांस हो रहा है, अपडेट हो रहा है, लेकिन क्या आज ऐसा कहा जा सकता है कि देश से जातिवाद खत्म हो चुका है? तब तो इस तरक्की को सार्थक माना जाएगा। लेकिन अगर आज भी वेदा जैसी सच्ची घटनाओं पर आधारित मूवी बन रही है तो इससे ये जाहिर होता है कि जातिवाद आज भी समाज की कड़वी सच्चाई है। देश आज़ादी की 78 सालगिरह मना रहा है। ऐसे में एक सवाल अगर ईमानदारी से पूछा जाए कि क्या इतने सालों में देश से जातिवाद जड़ से खत्म हो गया क्या, तो इसका जवाब ना ही होगा। कोई ना कोई खबर आज भी हमारे पास सुनने में आती ही रहती है जिसमें जाति धर्म के आधार पर किसी का शोषण हुआ हो या कत्ल हुआ होता है। आज भी लोगों की मानसिकता में जाति वर्ग घुसे हुए हैं और इससे अभी भी देश आज़ाद नहीं हो सका है। एक सही दस्तूर पर जॉन अब्राहम की मूवी वेदा रिलीज हुई है। भले ही इस मूवी के साथ और भी मूवीज भी आई हैं, लेकिन आज़ादी के दिन जॉन की ये मूवी वेदा की कहानी के जरिए एक सटीक मैसेज देती है। ये कहानी वेदा नाम की एक लड़की की कहानी है जो पिछड़े वर्ग से आती है, बॉक्सिंग सीखना चाहती है, लेकिन उसके सफ़र की शुरुआत इतनी आसान नहीं है। एक तो लड़की ऊपर से पिछड़ी जाति की, उसे किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, ऊपर से जो फजीहत झेलनी पड़ती है वो अलग। ये कम था कि वेदा का टकराव हो जाता है गांव के प्रधान जितेंद्र प्रताप सिंह से। जितेंद्र एक सधा हुआ पॉलिटिशियन है और पिछली जाति से नफरत करता है। वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है और आसपास के गांवों में भी उसकी धाक है। बस यहीं से कहानी में फ्लो आता है और ये टकराव अंत तक जाता है। यहीं पर अभिमन्यु का कैरेक्टर निभाने वाले जॉन अब्राहम का रोल तय होता है। जितेंद्र संग इस लड़ाई में वे वेदा के संरक्षक बनते हैं। अभिमन्यु गोरखा रेजिमेंट के जवान हैं जिन्हें सेना से निकाल दिया गया है। वो गांव में ही ट्रेनिंग देते हैं और मूवी में वेदा की हेल्प करते हैं। एक तरफ वेदा की जिद और एक तरफ जितेंद्र की अकड़, इसी के बीच में ये कहानी बुनी गई है। जॉन मूवी में लीड एक्टर है लेकिन मूवी का मुख्य किरदार वेदा ही है। आज समाज में वेदा जैसी लड़कियों की ज़रूरत है। वेदा में एक मासूमियत भी है, एक जुनून भी है और हिम्मत भी है। वेदा का कैरेक्टर मूवी की जान है और इस बात का सबूत भी कि सच के लिए लड़ने के लिए जो हिम्मत रखता है, भले ही वो उस राह पर अकेले ही क्यों ना हो, भगवान उसका साथ ज़रूर देता है और उसे कोई पराजित भी नहीं कर सकता।
मूवी की कहानी तो जरूरी है और इस पर कई सारी और भी इंटेंस फिल्में बनी हैं। जातिवाद पर बनी नाना पाटेकर की मूवी दीक्षा याद आती है। उसके अंत में एक मिनट के सीन को आज भी हिस्टोरिकल माना जाता है। आयुष्मान खुराना की आर्टिकल 15 भी लोगों की आंखें खोलती है। इस मूवी के भी कुछ सीन्स आपके जहन में रह जाते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल मूवी की बात करें तो मूवी का फर्स्ट हाफ ज़्यादा अपीलिंग है, लेकिन क्लाइमेक्स के बाद ही मूवी अपना रिदम खोदी नज़र आती है। इसके क्लाइमेक्स को और बेहतर किया जा सकता था। अब जॉन की मूवी है तो एक्शन होगा ही, कहानी है तो इमोशन भी, लेकिन हर मूवी का एक फ्लो होता है। इसकी स्क्रिप्टिंग के फ्लो में गड़बड़ी लग रही है। इस मूवी में अभिनय ही सब कुछ है, चाहे शर्वरी बाग को ले लीजिए, चाहे जॉन अब्राहम को या फिर अभिषेक बैनर्जी को, सभी ने कमाल का काम किया है। वेदा के रोल में शर्वरी को और बेहतर डायलॉग्स मिलने चाहिए थे, तब उनकी एक्टिंग पर चार चांद लग जाते, लेकिन वे लगातार बेहतर कर रही हैं और इस कैरेक्टर में भी उन्हें जान फूंक दी। अभिमन्यु के रोल में जॉन अब्राहम छा गए। पूरी मूवी में शायद एक सीन भी ऐसा नहीं होगा जब जॉन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई हो। उन्होंने गंभीर कैरेक्टर पूरी ऑनेस्टी से प्ले किया है। नेगेटिव कैरेक्टर्स में अपनी दावेदारी सिद्ध कर चुके अभिषेक बैनर्जी का कैरेक्टर इंटेंस था। वे ऐसे ही कैरेक्टर्स प्ले करते हैं और अपने अभिनय से एक असर छोड़ जाते हैं। इस मूवी में भी ऐसा ही उन्होंने किया है। आशीष विद्यार्थी भी कैमियो रोल में शूट कर रहे हैं। वेदा एक सही मौके पर रिलीज की हुई सही मूवी है। ऐसी फिल्में समाज के लिए ज़रूरी है, हमेशा से बनती भी आई है। इस मूवी में भी एक विशेष मुद्दे को उठाया गया। इसका फर्स्ट पार्ट काफ़ी इंगेजिंग है, लेकिन मूवी का दूसरा हाफ उस हिसाब से बन नहीं पाया। एक बढ़िया कहानी की स्क्रिप्टिंग उतनी बढ़िया नज़र नहीं आई, जिस वजह से मूवी बीच में ज़रा भटकती नज़र आई है, लेकिन उसे एक अच्छे क्लाइमैक्स से कवर किया जा सकता था, मगर ऐसा भी देखने को नहीं मिला। मूवी के क्लाइमैक्स में ज़रूरी एलिमेंट मिसिंग रहा। यहाँ पर जिस सस्पेंस की ज़रूरत होती है और जैसी एडिंग तैयारी की जाती है, वहाँ ज़रा ढीला पर नज़र आया। ये आपको अंत में मायूस कर सकता है, मगर ओवरऑल ये एक मस्ट वॉच मूवी है। जॉन अब्राहम एक ऐसा एक्टर जो इंडिया का सबसे महंगा मॉडल हुआ करता था, जिसे करण जौहर कभी खुशी कभी गम से लॉन्च करना चाहते थे, मगर उन्होंने वो मूवी करने से मना कर दिया। जिस रॉकस्टार में काम करके रणबीर कपूर स्टार बन गए, वो मूवी भी पहले जॉन ने ही साइन की थी। इनका फोर्स इतना था, इतना भयानक कि विलन को मोटरसाइकिल फेंक कर मार दिया। MBA करके नौकरी करने वाला एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का ये सब कैसे करता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, हम आज जानेंगे। बेटे का नाम जॉन अब्राहम, पापा का नाम अब्राहम जॉन। जॉन अब्राहम का जन्म 17 दिसंबर 1972 को बंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम है अब्राहम जॉन। मलयालम से आने वाले अब्राहम पेशे से आर्किटेक्ट थे। जॉन और उनके पिता का नाम तकरीबन सेम है। ऐसा यूं है कि मलयालम में पिता का नाम बच्चों को सरनेम के तौर पर दिया जाता है। जॉन जब पैदा हुए तो उनका नाम फरहान रखा गया था, मगर बैप्टाइजेशन के दौरान उनका नाम बदलकर जॉन कर दिया गया, जो कि उनके दादाजी का नाम था। तो इस तरह से फरहान बन गए जॉन अब्राहम। जॉन की माँ फिरोजा ईरानी हाउसवाइफ हैं। जॉन की शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से हुई थी। उन्होंने मुंबई के ही जय हिंद कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बैचलर्स डिग्री हासिल की। जॉन आगे की पढ़ाई करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नारसी मॉन्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में MBA की। कॉलेज ख़त्म करने के बाद उन्होंने मीडिया प्लानर के तौर पर फर्म्स में काम करना स्टार्ट कर दिया। इसी नौकरी के दौरान उनके बॉस ने उन्हें एक सजेशन दिया, जिससे उनकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। उन्होंने जॉन की कद काठी को देखते हुए उन्हें मॉडलिंग के हाथ आजमाने को कहा। इसी बातचीत के दौरान उन्होंने एक मॉडलिंग कॉम्पिटिशन का नाम भी बताया। जॉन को आइडिया ठीक लगा। उन्होंने तत्काल प्रभाव में उस कंपटीशन का फॉर्म भरा और उसमें हिस्सा लेने निकल पड़े। ये इवेंट था ग्लैड रॉक्स मैन हंट कॉन्टेस्ट, जो कि मॉडलिंग के लिहाज से इंडिया का सबसे फेमस कॉन्टेस्ट हुआ करता था। कमाल की बात यह है कि जॉन वो कंपटीशन जीत कर ग्लैड रॉक्स सुपर मॉडल ऑफ द ईयर बन गए। इसके बाद उन्हें इस इवेंट के इंटरनेशनल एडिशन में हिस्सा लेने का मौका मिला, जो कि फिलीपींस में हो रहा था।
दुनिया भर के मॉडल से भरे इस इवेंट में जॉन अब्राहम फर्स्ट रनर अप रहे। फिल्मों में कैसे आए जॉन अब्राहम? मॉडलिंग कॉन्टेस्ट जीतने के बाद जॉन को लगातार मॉडलिंग असाइनमेंट मिलने लगे। उन्होंने सिंगापुर, हांगकांग, लंदन और न्यूयॉर्क समेत दुनिया भर के कई शहरों में मॉडलिंग की। मगर एक समय के बाद उन्हें लगने लगा कि वो चाहे कितने बड़े तोप बन जाए, इंडिया में उन्हें कोई नहीं जानता। वो इंडिया में अपना नाम बनाने के ख्याल से अपने देश वापस लौट आए। कुछ ही समय बाद वो इंडिया के हाईएस्ट पेड मेल मॉडल बन गए। इस फील्ड में उनकी सफलता को देखते हुए पंजाबी सिंगर JGB ने उन्हें अपने गाने सूरमा के म्यूजिक वीडियो में कास्ट कर लिया। ये ऑडियो विजुअल फील्ड में ये उनका पहला काम था। इसके बाद वो पंकज उदास के गाने चुपके चुपके में नजर आए। इस गाने ने उनका इंडिया में पॉपुलर होने के सपना पूरा कर दिया। चुपके चुपके में जॉन को देखने के बाद उन्हें फिल्मों के ऑफर आने स्टार्ट हो गए। मूवी कभी खुशी गम से लॉन्च करना चाहते थे, मगर जॉन ने उस मूवी में काम करने से ही इनकार कर दिया। अगर आपको लग रहा है कि जॉन को ऋतिक वाले रोल में कास्ट करने की बात थी, तो आप गलत हैं। करण जॉन को एक ब्लिंक एंड मिस रोल में कास्ट करना चाहते थे। ये किरदार था करीना की दोस्त रॉबी का। रॉबी बमुश्किल मूवी के 3-4 सीन्स में नजर आता है, सिर्फ उन सीन्स में जिसमें पू रोहन जलाना चाहती है। जॉन के इनकार करने के बाद ये किरदार विकास एरीज ने निभाया है। खैर, जब ये बात चल रही थी तब जॉन ने किशोर नमित कपूर के यहाँ एक्टिंग क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी थी। मॉडल्स को फिल्मों में काम पाने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। जॉन से कुछ ही समय पहले अर्जुन रामपाल और डीनू मौर्या जैसे मॉडल्स फिल्मों में एंट्री मार चुके थे। खैर, जैसे ही जॉन का एक्टिंग कोर्स पूरा हुआ, उन्हें महेश भट्ट की लिखी मूवी जिस्म में लीड रोल में कास्ट कर लिया गया। इस मूवी में उनकी लीडिंग लेडी थी बिपाशा बासु। मूवी तो कुछ खास नहीं चली, मगर अपने बोल सीन्स की वजह से खूब चर्चा में रही। इस मूवी में काम के लिए जॉन को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया, जो मूवी अक्षय कुमार करने वाले थे। उसमें काम कर जॉन ने दुनिया भर में वाह वाही बटोरी। आज के समय में अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम अच्छे दोस्त गिने जाते हैं, क्योंकि दोनों गरम मसाला, हाउसफुल 2 और देसी बॉय जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। दोनों की लाइफस्टाइल भी कमोबेश सेम ही है, मगर अक्षय कुमार ने अपने करियर के शुरुआती दौर में सिर्फ मसाला और एक्शन फिल्मों में काम किया, मगर जब वो थोड़े मैच्योर हुए तो प्रयोगधर्मी काम पर उनका फोकस बढ़ गया। इसी कड़ी में उन्होंने जानवर, संघर्ष और हेरा फेरी जैसी फिल्मों में भी काम किया। साल 2000 में दीपा मेहता अपनी एलिमेंट ट्रिलजी की आखिरी मूवी वाटर बनाने जा रही थी। वाटर आज सिनेमा के घेरे में आती है। इस मूवी में शबाना आजमी और नंदिता दास के साथ अक्षय कुमार को कास्ट किया गया, मगर विवादों में फंसती फंसाती ये मूवी भी रोक दी गई। 2005 में दीपा ने अपने इस प्रोजेक्ट को दोबारा स्टार्ट किया। इस बार मूवी में लिज्जा रे और सीमा बिस्वास मुख्य भूमिका निभा रहे थे। जो रोल अक्षय करने वाले थे वो जॉन अब्राहम को ऑफर हो गया। जॉन ने दोनों हाथों से इस मौके को लपका। वाटर बनकर रिलीज हुई और दुनिया भर में खूब सराही गई। कनाडा की ओर से इसे ऑफिशियली बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज मूवी कैटेगरी में ऑस्कर भी भेजा गया। वहाँ मूवी नॉमिनेट तो हो गई पर अवार्ड नहीं जीत पाई। जॉन अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वाटर को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने दुनिया भर के दिग्गज फिल्मी लोगों के साथ ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी देखने का मौका मिला। वो अवार्ड जीतने नहीं, कियानू रिवीज, ग्वेंथ पोल्ट्रो और एंथनी हॉपकिंस जैसे एक्टर्स से मिलने गए थे, मगर वहाँ जॉन के साथ एक ऐसा हादसा हुआ, ऐसा हादसा जिससे उन्हें लगा कि वो वाकई दुनिया भर में पॉपुलर हो गए हैं। जॉन जिस होटल में ठहरे थे वहाँ कोई हॉलीवुड एक्टर भी रुका हुआ था। उस एक्टर से मिलने के लिए उस होटल के बाहर जनता का भारी हुज्म उमड़ा हुआ था। ठीक इसी समय जॉन होटल से बाहर निकले और चारों तरफ से लोग उनका नाम चिल्लाने लगे। जाहिर तौर पर वो भीड़ जॉन के लिए नहीं थी, मगर जॉन इस बात से खुश थे कि दुनिया के दूसरे देशों में भी इतने सारे लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। जब एक मूवी से देश भर में जॉन ने धूम मचा दिया। जॉन फिल्मों में आने के बाद छोटे बजट की कैरेक्टर ड्रिवन फिल्मों में काम कर रहे थे। साया, पापा और एतबार इस तरह की फिल्में उन्होंने किया था। इसके बाद जॉन को मिली वो मूवी जिसने उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का उभरता हुआ स्टार बना दिया था, यश राज फिल्म्स की संजय गढ़वी डायरेक्टेड मूवी धूम। इस मूवी ने जॉन ने बाइक प्रेमी एक चोर का किरदार निभाया था, जो कि एक मूवी का विलेन था। कमाल की बात ये कि धूम एंड
इंडिया में बड़ी हिट साबित हुई और इस मूवी फ्रेंचाइजी की यूएसपी ही इसके लिए विलन्स बन गई। जब भी धूम सीरीज की कोई नई मूवी बनती, लोगों को ये जानने की उत्सुकता होती कि इस मूवी में विलन का रोल कौन करने वाला है। धूम के बाद जॉन अब्राहम कायदे से मेन स्ट्रीम फिल्मों का हिस्सा बनना स्टार्ट हुए। अपने करियर में आगे उन्होंने गरम मसाला, काल, फोर्स, रेस टू और शूट आउट एट वडाला जैसी फिल्मों में काम किया। इम्तियाज अली ने जब रॉकस्टार पर काम स्टार्ट किया तब उन्होंने इस मूवी के लिए जॉन अब्राहम को ही साइन किया था। रेड एफ को दिए गए इंटरव्यू में जॉन ने इस खबर की पुष्टि भी की थी, मगर फाइनली वो मूवी रणबीर कपूर के हाथ चली गई। रॉकस्टार की कास्टिंग से जुड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारा किस्सा भी है। इस मूवी की लीडिंग लेडी के लिए अनुष्का शर्मा ने भी ऑडिशन दिया था। वो तकरीबन मूवी में हीर वाले रोल के लिए फाइनल हो चुकी थी, मगर एंड मौके पर उन्हें नरगिस फकरी से रिप्लेस कर दिया गया। खैर, हम जॉन की बात कर रहे थे। जॉन भले ही मुख्य धारा में आ चुके हैं, मगर अभी उन्हें सोलो हीरो वाली फिल्मों में अपना दमखम साबित करना बाकी था। पिछले कुछ समय में सत्यमेव जयते, परमानु, बाटला हाउस जैसी फिल्मों से उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया कि वो अपने बूते भी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस बना सकते हैं। जब जॉन ने आयुष्मान खुराना को लॉन्च करने के लिए प्रोडक्शन कंपनी खोल दी, जॉन अब्राहम अपनी अति साधारण लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। वो पार्टी नहीं करते, तमाम तरह के व्यसनों से दूर रहते हैं। कार मिली तो मिली, नहीं तो ऑटो रिक्शा कुछ भी लेकर वो मूवी इवेंट में पहुंच जाते हैं। मीडिया इंटरेक्शन में भी उन्हें आसानी से चपले पहने देखा जाता है। जॉन को सिर्फ दो चीज़ों का शौक है, बाइक और फुटबॉल। उनके गैराज में आपको विंटेज से लेकर स्पोर्ट्स हर तरह की बाइक्स मिल जाएंगी। वो शुरुआती दिनों में फुटबॉल खेला करते थे, मगर अब समय की कमी की वजह से सिर्फ देखने का मौका मिल पाता है। इसकी कोर कसर उन्होंने खुद की फुटबॉल टीम खरीद कर पूरी कर ली। जैसे क्रिकेट के लिए IPL है, वैसे ही फुटबॉल की प्रोफेशनल लीग है ISL, बोले तो इंडियन सुपर लीग। जॉन ISL में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC नाम की फुटबॉल टीम के मालिक हैं। उन्हें इस टूर्नामेंट के दौरान स्टैंड्स में अपनी टीम को चेयर करते हुए भी देखा गया है। 2012 में जॉन अब्राहम ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया। इस प्रोडक्शन हाउस के तहत बनने वाली मूवी थी आयुष्मान खुराना और यामी गौतम स्टारर विक्की डोनर। इस मूवी को खूब तारीफ मिली और बॉक्स ऑफिस नंबर्स ने तो क्या ही कहना। जॉन बताते हैं कि उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस इसलिए स्टार्ट किया ताकि वो अपने मन की फिल्में बना सके। सिनेमा ने उनको जितना कुछ दिया है, बदले में वो भी सिनेमा को कुछ दे सके। अपने प्रोडक्शन हाउस के तले वो अब तक मद्रास कैफे और परमानु जैसी फिल्में ही बना चुके हैं। जॉन अब्राहम ने बिपाशा के साथ अपना फिल्म डेब्यू किया था। उनके साथ वो 11 साल तक रिलेशनशिप में भी रहे। उनकी निजी लाइफ की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ उन्होंने खुद मीडिया में स्वीकारी है। खैर, बिपाशा से अलग होने के बाद प्रिया रोनचल नाम की एक NRI लड़की से शादी कर ली, जिसका फिल्मों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। निखिल आडवाणी की डायरेक्ट की हुई एक्शन मूवी वेदा थिएटर में लग चुकी है, जिसने एक ही दिन में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। वेदा ने अपने ओपनिंग डे पर ही 6 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। इस मूवी में जॉन अब्राहम, शर्वरी, अभिषेक बैनर्जी और तमन्ना भाटिया अहम भूमिका में हैं। आइए जाने किस स्टार ने इस मूवी के लिए कितनी फीस चार्ज की है। 15th of August के मौके पर थिएटर्स में निखिल आडवाणी की एक्शन मूवी वेदा रिलीज की गई। इस मूवी में जॉन अब्राहम, शर्वरी, अभिषेक बैनर्जी और तमन्ना भाटिया अहम भूमिका निभा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वेदा की परफॉर्मेंस 3-2 से तो अच्छी नहीं है, लेकिन दो बड़ी फिल्मों से क्लैश के बीच पहले दिन वेदा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। जॉन की मूवी ने पहले दिन 6 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पर लगभग 6 साल बाद जॉन अब्राहम ने एक बड़ी ओपनिंग की है। हालांकि इन सालों में उन्होंने कई फिल्में की थी, लेकिन सभी की परफॉर्मेंस एवरेज थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्शन मूवी के लिए जॉन ने पूरी कास्ट के मुकाबले सबसे ज़्यादा फीस चार्ज की है। ये मूवी वेदा नाम की लड़की की यात्रा के बारे में है, जो अपने लिए लड़ाई लड़ती है, जिसे एक फॉर्मर सोल्जर का सपोर्ट मिलता है। वेदा का बजट 60 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट की माने तो इस मूवी के लिए जॉन ने लगभग 20 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, जो कि पूरी कास्ट में सबसे ज़्यादा फीस है। जॉन के बाद वेदा के लिए ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया हैं, जिन्होंने 1.5 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं। मूवी में वेदा बेरवा का किरदार निभाने वाली शर्वरी वाघ को सिर्फ 50 लाख रुपये की फीस मिली है। इनके अलावा वेदा में विलेन का रोल निभाने वाले अभिषेक बैनर्जी को 35 लाख रुपए की फीस मिली है।
अभिषेक मूवी में जितेंद्र प्रताप सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं। वेदा में अहम भूमिका निभाने वाले आशीष विद्यार्थी को करीब 36 लाख रुपए की फीस मिली है। मूवी में जॉन अब्राहम मेजर अभिमन्यु का रोल प्ले करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं वेदा का कैरेक्टर शर्वरी अदा कर रही है। ये मूवी सामाजिक मुद्दों पर बेस्ड है जो कि दलितों के साथ होने वाले भेदभाव को दिखाता है। इस मूवी में ऑडियंस को जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। वैसे तो जॉन को एक्शन स्टार के तौर पर ही जाना जाता है, लेकिन बाकी एक्टर्स ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। वेदा को निखिल आडवाणी ने डायरेक्ट किया है। इसको जी स्टूडियोज, उमेश खेर बंसल, मोनिशा आडवाणी, मधु भोजवानी, जॉन अब्राहम ने प्रोड्यूस किया है। वेदा के अलावा 15 अगस्त को अभिषेक बैनर्जी और तमन्ना भाटिया की दूसरी मूवी स्त्री 2 भी रिलीज हुई है, जिसे बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। साल 2018 में सत्यमेव जयते के बाद से जॉन ने वेदा से एक अच्छा कमबैक किया है। इससे पहले पठान में भी जॉन का अच्छा कमबैक था, लेकिन उस मूवी में जॉन मुख्य भूमिका में नहीं थे। वेदा से पहले जॉन की पिछली मूवी एक विलन रिटर्न साल 2022 में आई थी, जो कि मोहित सूरी ने डायरेक्ट की थी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी हार को भी जीत में बदलना जानते हैं। अक्षय कुमार की खेल खेल में का मुकाबला सीधा स्त्री 2 और वेदा के साथ हुआ। वहीं ओपनिंग डे की कमाई के मामले में स्त्री 2 ने सभी को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन इस घाटे में भी अक्षय कुमार, तमन्ना भाटिया और अभिषेक बैनर्जी का काफी मुनाफा हो गया है। हार कर भी जो जीत जाए उसे अक्षय कुमार कहते हैं। भले ही अक्की की फिल्में पिछले कुछ सालों से चले या ना चले, लेकिन उनका दिमाग काफी तेज चल रहा है। वहीं अक्षय कुमार के साथ उन्हीं की राह पर तमन्ना भाटिया और अभिषेक बैनर्जी भी चलते हुए नजर आए। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों स्टार्स के बीच क्या ही कॉमन है जो इनका नाम एक साथ लिया जा रहा है। दरअसल इन तीनों स्टार्स ने एक ऐसा स्मार्ट मूव खेला है कि अब उनकी फिल्म कुछ खास चले या ना चले, इनकी तो चांदी ही चांदी है बॉक्स ऑफिस पर। जहां एक तरफ अक्षय कुमार की खेल खेल में और दूसरी ओर तमन्ना भाटी और अभिषेक बैनर्जी की वेदा एक साथ रिलीज हुई है, वहीं इन फिल्मों की कमाई पर भी सभी अपनी अपनी नज़र टिकाए हुए हैं। लेकिन अब तक तो सबको ये बात पता चल गई है कि बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त चुड़ैल ने कब्जा किया हुआ है। साफ शब्दों में कहे तो स्त्री 2 भी इन्हीं दोनों फिल्मों के साथ सिनेमाघरों में आई, जिसने आते ही अपना दबदबा बना लिया है। स्त्री 2 ने ओपनिंग डे पर 55 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। इस मूवी के चर्चे जोरों शोरों के साथ हो रहे हैं। वहीं अक्षय कुमार की खेल खेल ने पहले दिन महज 5 करोड़ की कमाई की और वेदा ने 6.75 crore से ज्यादा का बिजनेस किया। ये दोनों ही फिल्म स्त्री 2 से बहुत ही पीछे छूट गई है, लेकिन फिर भी अक्षय कुमार, तमन्ना भाटिया और अभिषेक बैनर्जी के खूब चर्चे हो रहे हैं। अब इन तीनों का स्मार्ट मूव ये है कि ये स्टार स्त्री 2 का भी हिस्सा है और इनके काम की भी खूब तारीफें हो रही हैं। अक्षय कुमार को स्त्री 2 में देखना सभी ऑडियंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज है, लेकिन अपने छोटे से रोल में उन्होंने लोगों को खूब एंटरटेन किया है। खेल खेल में से ज्यादा अक्की के चर्चे उनके स्त्री 2 के कैमियो के लिए हो रहे हैं। मूवी में उनका सुपर विलन का किरदार है, जो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अगली मूवी में एक नई कहानी के साथ भी नजर आ सकते हैं। ऐसे में भले ही खेल खेल में अब ज्यादा कमाई ना भी कर पाए, लेकिन बातें तो सिर्फ अक्षय कुमार की ही होंगी। ऐसा ही कदम तमन्ना भाटिया और अभिषेक बैनर्जी ने भी उठाया है। वेदा भी स्त्री 2 के सामने फीकी नजर आ रही है, लेकिन ये दोनों स्टार भी स्त्री 2 में नजर आए। तमन्ना भाटिया का इस मूवी तड़कता भड़कता डांस नंबर है, जिसने मूवी के रिलीज से पहले ही सारी महफिल लूट ली थी। साथ ही उनका स्त्री 2 में कैमियो भी है। अभिषेक बैनर्जी वेदा और स्त्री 2 दोनों में ही अच्छे खासे वक्त के लिए नजर आ रहे हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग हर किसी को खूब पसंद आ रही है। आज की रात गाने में इस बार चंदेरी के लोगों की महफिल सजाने की जिम्मेदारी तमन्ना भाटिया ने ली है। इन गाने में तमन्ना अपनी गजब की परफॉर्मेंस दे रही है। ग्रीन कलर के आउटफिट में तमन्ना भाटिया का अंदाज देखते बन रहा है। उनके ठुमके, उनकी बोल्डनेस गाने में 4 चांद लगा रही है। ये गाना फैंस को मदहोश कर रही है। स्त्री 2 के गाने आज की रात की बीट बहुत ही कमाल की है, जिसे सुन कोई भी थिरकने पर मजबूर हो जाएगा। बता दें कि स्त्री 2 के गाने आज की रात की लिरिक्स अमित भट्टाचार्य ने लिखे हैं, जबकि गाने को आवाज दी है मधुवंती बागची, दिव्या कुमार से सचिन जिगर ने। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की स्त्री 2 ने जहां ओपनिंग डे पर बम्पर कमाई का नया रिकॉर्ड बनाया है, वहीं इसके साथ रिलीज हुई वेदा और खेल खेल में को इस क्लैश से तगड़ा नुकसान हुआ है। खासकर अक्षय कुमार के लिए ऐसा लग रहा है जैसे बॉक्स ऑफिस पर उनका बुरा दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा।
ये इंटरेस्टिंग है कि एक और जहां स्त्री टू में उनके सरप्राइज कैमियो की जमकर तारीफ हो रही है, वहीं लीड रोल में उनकी खेल खेल में पहले दिन जॉन अब्राहम और शर्वरी वाकी वेदा से भी पिछड़ गई है। ये हाल तब है जब गुरुवार को 15 अगस्त की छुट्टी थी। हॉलीडे रिलीज के बावजूद खेल खेल में और वेदा की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत खराब रही है। दोनों ही फिल्में स्त्री टू के आगे घुटनों पर हैं। एक और जहां अमर कौशिक के डायरेक्शन में बनी स्त्री टू ने पहले दिन ही 55 करोड़ से ऊपर के साथ कमाई की और सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग का रिकॉर्ड बना लिया है। वहीं वेदा और खेल खेल में मिलकर 11 करोड़ रुपए ही कमा सकी। ये दोनों ही फिल्में सिनेमाघरों में लगभग बराबर 1500 से 2000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक निखिल आडवाणी के डायरेक्शन में बनी वेदा ने ओपनिंग डे पर गुरुवार को 6.5 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है। इसमें से हिंदी में 6.28 करोड़ की कमाई हुई है। जॉन अब्राहम और शर्वरी वाघ स्टारर इस एक्शन ड्रामा की ऑडियंस ऑक्यूपेंसी औसतन 35% रही है, जबकि स्त्री टू के शोज में इसके दो गुने से अधिक 77% सीट्स पर ऑडियंस नजर आए हैं। वहीं वेदा की रिव्यू की बात करें तो एक श्लोक था, जिक्र महाभारत में भी हुआ है, श्री कृष्ण ने किया है। श्री कृष्ण ने इसका मतलब बताया था कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सामने प्रकट होता हूँ। महाभारत के श्लोक का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जॉन अब्राहम और शर्वरी वाघ की मूवी वेदा पर ये एकदम सही बैठता है। अब वो कैसे, चलिए तो बताते हैं, लेकिन मूवी के रिव्यू के साथ। जॉन अब्राहम और शर्वरी वाघ की मूवी वेदा 15 अगस्त के मौके पर रिलीज कर दी गई। ये फुल ऑन एक्शन एंटरटेनर मूवी है और ये सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है जो कि समाज के काले सच से रूबरू कराती है। जात पात से हमारा समाज आज भी नहीं उबर पाया है। शहरी क्षेत्रों में ये मामला थोड़ा कम देखने के लिए मिलता है और ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आप इसकी जड़ को देख सकते हैं। ऐसे में वेदा भी जात पात के बीच एक उलझी हुई कहानी ही है, मगर इसकी कहानी एकदम नई है। ऊपर जैसा कि हमने महाभारत के श्लोक का जिक्र किया, उस श्लोक पर इसकी कहानी एकदम सटीक बैठती है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि मूवी कैसी है। जॉन अब्राहम और शर्वरी वाघ की मूवी वेदा की कहानी की बात की जाए तो इसमें आपको नई कहानी देखने को मिलने वाली है जो कि राजस्थान की सच्ची घटना से इंस्पायर है। इसमें आपको बाड़मेर की वेदा और आर्मी से कोर्ट मार्शल किए हुए मेजर की कहानी देखने को मिलेगी। वेदा यानी शर्वरी वाघ अपने सपने को उड़ान देने के लिए हर संभव प्रयास करती है, मगर उसके सपने का रोड़ा अब जात पात है। ऊंची जाति के लोग अपनी हुकत चलाते हैं, जिनके पास पैसा और पावर सब कुछ होता है। वेदा बॉक्सर बनना चाहती है जिसके लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके बीच वो कभी हौसला नहीं हारती, मार खाकर अपमान सहकर भी वो सपने देखना नहीं छोड़ती। जब अत्याचार बढ़ जाता है तो एंट्री होती है जॉन अब्राहम की, जैसे महाभारत में कृष्ण की होती है, ठीक वैसे ही। इस बीच भरपूर एक्शन देखने को मिलता है। मूवी की कहानी सोशल मैसेज देती है, इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि ये काफ़ी फ्रेश लगती है। जहां वेदा की कहानी दमदार है, समाज को आईना दिखाने का काम करती है, काले सच से दुनिया को रूबरू कराती है, वहीं मूवी में एक्टर्स की एक्टिंग भी दिल जीतने वाली है। एक्टर्स का अभिनय मूवी में जान डालने का काम करता है। जॉन अब्राहम आर्मी के ट्रेंड ऑफिसर होते हैं, उसी तरीके से एक्शन भी दमदार करते दिखाई दे रहे। तबीयत से पिटने और कईयों गोलियां खाने के बाद भी वो दुश्मन यानी कि जितेंद्र सिंह के सामने टिके रहते हैं। इसके साथ ही शर्वरी वाघ भी मूवी में बॉक्सिंग के 5 स्टेप सिखाती नजर आती हैं, वो भी थोड़ा बहुत एक्शन अवतार में नजर आई हैं। उनका एक्शन आपको शाबाशी देने पर मजबूर कर देगा। वहीं विलन के किरदार में अभिषेक बैनर्जी का काम कमाल का है। वो मूवी में बाड़मेर के छोटे से गांव के प्रधान होते हैं जिनका नाम जितेंद्र है। गांव में उनके नियम कायदे होते हैं जिसे तोड़ने का काम वेदा करती है। एक तरह से देखा जाए तो लड़ाई वेदा और प्रधान जी के बीच की है, जिसमें जॉन अब्राहम ने सारथी बनने का काम किया है, ठीक वैसे ही जैसे महाभारत में कृष्ण 5 पांडवों के लिए थे। इसके साथ ही आशीष विद्यार्थी को लंबे समय के बाद अपने पुराने अंदाज में देखा गया है। तमन्ना भाटिया ने कैमियो किया है जो कि जॉन की पत्नी के रोल में होती हैं। अब बात करते हैं मूवी वेदा के गाने और म्यूजिक की। इसमें मोनी रॉय और आइटम सॉन्ग का तड़का है, जिसमें मूवी में ठीक वैसा ही फिल्माया गया जो विलन की मूवी में पिटाई होने वाली होती है। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि विलन के पिटने से पहले मूवी में एक आइटम सॉन्ग आता है, फिर हीरो की एंट्री होती है और धमाका हो जाता है। ठीक इसी तरह से मोनी रॉय का गाना बलम सो गया मेरा कल रात,
मगर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो आप मूवी में देख सकेंगे। वहीं दूसरा गाना होलिया में उड़े रे गुलाल, इसे शर्वरी वाग पर फिल्माया गया है, जो कि कहानी में ट्विस्ट लेकर आता है। इस गाने को मूवी में रिक्रिएट किया गया है, मगर इसका इस्तेमाल सीन के हिसाब से थोड़ा समझ नहीं आता। जहां इसे फिट किया गया है वहां ये फिट नहीं बैठता है, और इसके बिना भी स्टोरी को आगे बढ़ाया जा सकता था। वही मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की बात की जाए तो ये कमाल का है। बैकग्राउंड म्यूजिक मूवी की हर कड़ी को स्ट्रांग बनाता है। ये आपको कुर्सी और मूवी की कहानी से बांधे रखने में मदद करता है। वेदा की कहानी और एक्शन गाने सब ठीक रहे, लेकिन डायरेक्शन में आपको थोड़ी कमी महसूस होती है। मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा कमज़ोर लगता है। पहला तो कहानी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है, फिर ट्विस्ट भी लेट आता है। उस समय तक इसकी कहानी उबाऊ सी लगने लगती है। लगेगा कि कब वो कड़ी आएगी जब मूवी में मज़ा आएगा। कुछ सीन्स तो लगते हैं क्यों ही डाल दिया गया है। लगता है कि इसकी कहानी को समय अवधि बढ़ाने के लिए थोड़ा खींचा गया, जिसे 2 घंटे में भी खत्म किया जा सकता था। लेकिन इंटरवल के बाद ट्विस्ट भी आते हैं और खूब एक्शन भी देखने को मिलता है। अब अगर बात की जाए वेदा को देखा जाए या नहीं, तो कुल मिलाकर ये एक्शन एंटरटेनर मूवी है। आप इसे एंजॉय करेंगे, फ्रेश कहानी है और सच्ची घटना से इंस्पायर है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये सोशल मैसेज देती है, जिसे सभी लोग देखना चाहेंगे। वहीं अगर आप जॉन अब्राहम के फैन हैं तो और भी मज़ा आने वाला है। इसे फैमिली के साथ देखा जा सकता है, तो ये मस्ट वॉच मूवी आप इसे कह सकते हैं और इसे इंजॉय कर सकते। अभिनेत्री शर्वरी वाग के सितारे इन दिनों बुलंदियों पर हैं। मुंज्रिया की सफलता के बाद वो अपनी नई मूवी वेदा को लेकर सुर्खियों में है। मूवी के लिए उन्होंने जमकर मेहनत की, जो स्क्रीन पर भी साफ झलकती है। हाल ही में अभिनेत्री ने एक पॉडकास्ट में कई इंटरेस्टिंग खुलासे किए। शुभांकर मिश्रा से बात करते हुए उन्होंने बताया कि शाहरुख खान की एक झलक पाने के लिए वो मन्नत के सामने भीड़ के बीच खड़ी थी। शाहरुख खान के बर्थडे पर मैं सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ में खड़ी थी। शर्वरी वाघ शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी की नातिन हैं। जब उनसे पूछा गया कि उनके संघर्षों पर लोग कई बार सवाल उठा चुके हैं, तो इस पर जवाब देते हुए अभिनेत्री ने कहा, ये बातें मैंने कभी साझा नहीं की, लेकिन मैंने सुई धागा जैसी सभी YRF फिल्मों के लिए ऑडिशन दिया है। शर्वरी बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण फैन है। संजय लीला भंसाली की मूवी बाजीराव मस्तानी की शूटिंग के दौरान उन्होंने ट्रेनी के तौर पर काम किया था। उस समय को याद करते हुए अभिनेत्री ने कहा कि मुझे ठीक उसी समय दरवाज़ा खोलने का काम दिया गया था जब दीपिका का किरदार अंदर आया था। हम दीवानी मस्तानी गाने की शूटिंग कर रहे थे और हमें दरवाज़ा खोलना था। इस दौरान उन्होंने मुझसे मेरा नाम भी पूछा था। वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में शर्वरी ने मुंज्रिया में काम किया। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी सुपरहिट साबित हुई। मूवी ने टिकट खिड़की पर 100 करोड़ से अधिक का कारोबार कर सभी को हैरान कर दिया था। वेदा के बाद वो जल्द ही अल्फा नाम की मूवी में नजर आने वाली है। यशराज स्पाई यूनिवर्स की इस मूवी में आलिया भट्ट भी नजर आएंगी। लेकिन मुंज्रिया के बाद वेदा में अपने अभिनय का दमखम दिखाने वाली शर्वरी के लिए इंडस्ट्री में आना आसान नहीं था। उन्होंने अपने करियर बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर स्टार्ट किया था। उन्होंने प्यार का पंचनामा 2, बाजीराव मस्तानी और सोनू के T2 की स्वीटी में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया है। इसके बाद साल 2020 में उन्होंने कबीर खान की वेब सीरीज दी फॉरगॉटन आर्मी से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इस वेब सीरीज में उन्होंने सनी कौशल के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया था। साल 2021 में उन्होंने बंटी और बबली 2 से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस मूवी में वो सोनिया बबली रावत के किरदार में नजर आई थी। इसके बाद उन्हें मुंज्रिया महाराज और वेदा जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। शर्वरी के पिता शैलेश वाघ मुंबई के जाने माने बिल्डर हैं, जबकि मां नम्रता वाघ आर्किटेक्ट हैं। इनके अलावा उनकी बहन कस्तूरी भी आर्किटेक्ट हैं। बात करें शर्वरी के नेटवर्थ की, तो ट्रिंकी रिपोर्ट्स के मुताबिक शर्वरी की कुल संपत्ति लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। उनके आय का मुख्य सोर्स एक्टिंग है। रिपोर्ट्स के अनुसार मूवी वेदा के लिए उन्होंने लगभग 50 लाख रुपए की फीस ली है। फिल्मों के अलावा शर्वरी पॉन्स और हेड एंड शोल्डर जैसे कई टेलीविजन एडवर्टीजमेंट में भी नजर आ चुकी हैं, जिसके लिए वो लाखों रुपए चार्ज करती हैं। शर्वरी वाघ के इस इंटरव्यू की एक क्लिप रेडिट पर भी वायरल हो रही है। वीडियो में एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने यशराज फिल्म्स के दफ्तर के खूब चक्कर लगाए हैं। अभिनेत्री ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने लगातार यशराज फिल्म्स की मूवी के लिए ऑडिशन भी दिया था, लेकिन बात नहीं बन रही थी।
शर्वरी वाघ के स्ट्रगल की ये कहानी रेडिट यूजर को सच्ची नहीं लगी और अभिनेत्री ट्रोल हो गई। स्ट्रीमिंग सीरीज दी रेलवे मैन के निर्देशक शिव रवील आलिया भट्ट और शर्वरी स्टारर एक्शन मूवी का निर्देशन करने के लिए तैयार है। इस एक्शन मूवी का टाइटल अभी तय नहीं हुआ है। नई मूवी स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा होंगी जिसमें एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर और पठान सहित हिंदी सिनेमा की कुछ सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। मूवी में आलिया भट्ट और शर्वरी सुपर एजेंट्स की भूमिका निभाती नजर आएंगी और इसका निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है। इंडस्ट्री के एक सूत्र के मुताबिक द रेलवे मैन के बाद निर्देशक शिव रवील इस मूवी का निर्देशन करेंगे। द रेलवे मैन का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर हुआ था। इसमें दिखाया गया था कि कैसे 1984 में भोपाल में केमिकल कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के प्लांट में जहरीली गैस रिसाव के दौरान कई लोगों की जान बचाई गई थी। सूत्र ने बताया कि YRF के लिए शिव की पहली निर्देशित मूवी दी रेलवे मैन जबरदस्त हिट रही है। ये युवा है और उन्हें इस बात की अच्छी समझ है कि युवा एंटरटेनमेंट के तौर पर क्या चाहते हैं। सूत्र ने बताया कि आदित्य को विश्वास है कि YRF स्पाई यूनिवर्स की एक्शन एंटरटेनर का निर्देशन करने के लिए बेस्ट डायरेक्टर है जिसमें शर्वरी के साथ आलिया भट्ट लीड रोल करेंगी। अक्सर शर्वरी वाघ को लेकर यह खबर आती रहती है कि वो विकी कौशल के भाई सनी कौशल को रेट कर रही हैं। कई बार दोनों को साथ देखा गया और खास मौकों पर दोनों एक दूसरे के लिए अपना प्यार लुटाते हुए भी नजर आते हैं। हालांकि दोनों में किसी ने भी अपने रिश्ते को लेकर ऑफिशियल घोषणा नहीं की है। अब हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस से विकी कौशल और कैटरीना कैफ को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर फैंस हैरान हो सकते हैं। हाल ही में फिल्मी ज्ञान से बात करते हुए एक्ट्रेस से फैन के कुछ सवाल पूछे गए। इसमें एक सवाल था कि वो विकी कौशल और कैटरीना कैफ में से किसके साथ अच्छी बॉन्डिंग शेयर करती हैं। इसके जवाब में मुंद्रे एक्ट्रेस ने कहा कि उनके हिसाब से दोनों के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग है। इसके साथ ही जब उनसे दूसरा सवाल किया गया कि पावर कपल वर्ड सुनते ही उनके माइंड में किसका नाम आता है तो शर्वरी ने बिना टाइम लिए विकी कैट का नाम ले लिया। शर्वरी से मीडिया ने सवाल किया था कि क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में फीमेल से ज़्यादा मेल को इम्पोर्टेंस दी जाती है तो उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मेल एक्टर को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है। मुझे लगता है कि जिस किस्म की स्क्रिप्ट बनती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक्टर का ज़्यादा रोल है या फिर एक्ट्रेसेस का ज़्यादा रोल है। अब आप हालिया रिलीज मूवी गहराइयाँ देख लीजिए। उसमें इतनी खूबसूरती से दीपिका पादुकोण का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा। इसका कारण ये भी रहा कि उन्हें एक ऐसी स्क्रिप्ट मिली जहाँ पर उनका किरदार इतना खूबसूरती से लिखा हुआ था। इसी तरह तापसी पन्नू की मूवी थप्पड़ है। अभी आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी देखकर आई हूँ। उसमें आलिया भट्ट का दमदार किरदार है। मैं कहूँगी कि एक्टर और एक्ट्रेस को दर्जा उतना ही मिलता है। यहाँ इम्पोर्टेंस बात यह है कि किसके लिए स्क्रिप्ट लिखी जाती है। फीमेल सेंट्रिक कैरेक्टर वाली फिल्मों के बारे में क्या कहेंगी। आजकल हमें फीमेल सेंट्रिक फिल्में हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। मैं खुशनसीब हूँ कि इस समय इंडस्ट्री में मैं हूँ जब ऐसी फिल्में बन रही है। आज लड़कियों का किरदार इतने अच्छे से लिखा जा रहा है इसे देखकर मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ा चेंज शिफ्ट हो रहा है। मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि इस दौरान इंडस्ट्री में मैं आई हूँ जब ऐसे कैरेक्टर्स कलाकारों के लिए लिखे जा रहे हैं। उसके बाद ये पूछा गया कि फिल्म इंडस्ट्री में फेमिनिज्म को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी आप तो उन्होंने कहा जैसे मैंने कहा कि गंगूबाई काठियावाड़ी हो या फिर गहराइयाँ हो ये उस तरीके की फिल्म है जिसे मैं करना चाहूँगी। औरतों ने बॉक्स ऑफिस पर आकर अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में मुझे लगता है कि भविष्य में मैं भी ऐसी फिल्में कर पाऊँ। जहाँ स्त्री टू, वेदा और खेल खेल में साथ में रिलीज हुई है आइए जानते हैं कौन सी मूवी ज़्यादा देखने लायक है। सबसे पहले बात करते हैं स्त्री टू की। श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी जैसे सितारों से सजी मूवी स्त्री टू सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। वैसे तो पहले इस मूवी को 15 अगस्त को रिलीज किया जाना था लेकिन मेकर्स ने बड़े क्लैश के बीच इसे 14 अगस्त रात 9:30 बजे ही रिलीज कर दिया। स्त्री टू साल 2018 में आई हिट मूवी स्त्री का सीक्वल है। पहली मूवी में स्त्री को घोस्ट यानी भूत के तौर पर दिखाया गया था लेकिन इस बार दूसरे पार्ट में सर कटे का आतंक दिखाया गया है। मूवी कैसी है, निर्देशन कैसा है, स्टार कास्ट कैसी है, इसका काम क्या है, इन सवालों के जवाब आपको यहाँ मिल जाएंगे। स्त्री टू के पहले पार्ट ने सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ही करीब 130 करोड़ रुपए की बम्पर कमाई की। मूवी की वर्ल्ड वाइड कमाई तो 182 crore रुपए तक पहुंच गई थी। खास बात यह है कि 6 साल पहले आई इस मूवी को महज 30 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था।
स्त्री के पहले पार्ट की तरह ही दूसरे पार्ट का निर्देशन भी अमर कौशिक ने ही किया है। हॉरर कॉमेडी जॉनर्स में स्त्री सबसे ज्यादा कारोबार करने वाली मूवी है। स्त्री 2 में मेकर्स ने कई सरप्राइज एलिमेंट्स रखे हैं। मूवी में तमन्ना भाटिया सिर्फ आइटम सॉन्ग करती नहीं दिखेंगी, बल्कि उनका रोल अहम होने वाला है। इसके अलावा मूवी में अक्षय कुमार का भी कैमियो रोल है, पर वो एक बड़ा खुलासा करते हैं, यानी अक्षय स्त्री में भी है और खेल खेल में भी। इसके अलावा मूवी में वरुण धवन भी है और इस तरह इसका भेड़िया भी क्रॉसओवर कर गया। अभिषेक बैनर्जी मूवी स्त्री में भी है और वेदा में भी है। उनकी दोनों ही फिल्में आपस में टकरा रही हैं। इस पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, मेरे थिएटर्स के दिनों में भी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरे दो शो एक ही दिन प्लान किए गए हों। एक नया और क्रेजी एक्सपीरियंस है। उन्होंने दोनों फिल्मों के अपने कैरेक्टर को लेकर कहा कि दोनों ही एक दूसरे से बेहद अलग है। अभिषेक ने कहा कि वो खुद को लकी मानते हैं कि पूरा देश उन्हें एक फिल्मों में देखेगा। इंटरवल तक मूवी एंगेजिंग लगती है, श्रद्धा बाकियों के मुकाबले कम नजर आई, लेकिन इस कम समय में भी उन्होंने दिल जीत लिया है। लेकिन इस कहानी का हीरो है सरकटा भूत। वो जब भी आता है आपकी चीख निकल जाती है सरकटे के डर से। और राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना की कॉमेडी के बीच सेकेंड हाफ कब आता है पता ही नहीं चलता। लेकिन स्त्री के मुकाबले स्त्री 2 अभी तक कुछ फीकी है। अक्षय कुमार की खेल खेल में और जॉन अब्राहम की वेदा से क्लैश पर स्त्री 2 की प्रोड्यूसर ज्योति देश पांडे ने कहा, साल भर में 52 हफ्ते ही होते, हम श्राद्ध, IPL, रमजान, ये सब दिनों में फिल्में रिलीज नहीं करते। और अगर किसी बड़े खान की फिल्म आ रही है या साउथ की कोई बड़ी मूवी आ रही है तो हमारे पास तो बस 20 हफ्ते ही बचते हैं, तो क्लैश तो होना बाकी है। ये जंगल का कानून है, जिसके पास ताकत होगी वही टिकेगा। स्त्री और स्त्री 2 जैसी हॉरर कॉमेडी करने वाले राजकुमार राव क्या खुद भूतों से डरते हैं? इस सवाल का जवाब उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया था। उन्होंने कहा था, अगर घर में कोई नहीं, मैं अकेले हूँ तो ठीक है, पर अगर मैं अकेला हूँ और मुझे शायद ऐसा फील हो कि शायद कोई कंपनी है साथ में, तब मैं अकेला नहीं हूँ, तब मुझे बिल्कुल डर लगता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर ऐसा नहीं है, मैं एनर्जी में यकीन रखता हूँ, मैं घोस्ट पर यकीन नहीं रखता हूँ, वो तो हमने अभी तक देखा नहीं है, भगवान ना करे कभी हम देखे भी। अब हम बात करते हैं खेल खेल में की। एक महीने से थोड़े ज्यादा वक्फे के बाद अक्षय कुमार की नई मूवी खेल खेल में रिलीज हुई है। पिछली मूवी सरफिरा भी इसी तरह रिलीज हुई थी और वो भी एक रीमेक थी, मगर इस बार अक्षय ने अपना दायरा बढ़ाया है, साउथ इंडिया से बाहर निकलकर यूरोप की एक बढ़ी है। खेल खेल में 2016 में आई थाईलैंड मूवी परफेक्ट स्ट्रेंजर्स की रीमेक है, मगर इस मूवी का कॉन्सेप्ट इतना सार्वभौमिक है कि इसे भारतीय परिपाटी में ढालना आसान था, बिना मूवी की आत्मा या सार से छेड़छाड़ किए बगैर। मूवी का एक सकारात्मक पक्ष ये भी है कि इस मूवी में लंबे अरसे बाद अक्षय की कॉमेडी में वापसी हुई है, जो कि खेल खेल में को उसकी तमाम खामियों के बावजूद एक मजेदार मूवी बनाती है। खेल खेल में की कहानी 7 दोस्तों के बारे में है। ये सब लोग एक शादी अटेंड करने जयपुर गए हुए हैं। वहां शादी की भीड़ भाड़ से दूर ये लोग एक कमरे में बैठकर चिल कर रहे होते हैं, तभी वर्तिका को एक गेम खेलने का आइडिया आता है। खेल का नियम ये होता है कि सभी लोग अपने मोबाइल फोन सामने टेबल पर रखेंगे, जिसका भी फोन बजेगा वो सबको बताएगा कि उसका फोन क्यों बजा, साथ ही कॉल, मैसेज, मेल, ये सबका जवाब सब लोग एक दूसरे के सामने ही देंगे। फोन का नाम आते ही ग्रुप के पुरुष सदस्य हिचकिचाने लगते हैं, हालांकि उन्हें मजबूरन इस खेल का हिस्सा बनना पड़ता है। इस एक रात में एक एक कर सबके राज खुलने स्टार्ट हो जाते हैं और इस रात के बाद उन सब की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाती हैं। पिछले दिनों एक तमिल मूवी आई थी लव टुडे, इस मूवी का भी कॉन्सेप्ट कमोबैश ऐसा ही था, मगर वो कहानी सिर्फ एक प्रेमी जोड़े की थी जो आपस में अपने फोन एक्सचेंज कर लेते हैं। मूवी को बड़ा पसंद किया गया। जल्द ही हिंदी में इसका रीमेक बनने वाला है, मगर अक्षय उसका हिस्सा नहीं है। खैर, खेल खेल में का विषय भले ही नॉन सीरियस और मजेदार साउंड कर रहा हो, मगर यकीन मानिए जब अपना फोन पासवर्ड समेत किसी के हवाले करना पड़ता है तो चीजें अपने आप सीरियस होने लगती है। ऐसा ही कुछ इस मूवी के साथ भी होता है। मूवी में मजे मजे में शुरू होती है, सभी सातों किरदार की बैक स्टोरी बताई जाती है, कुछ कहानियां मजेदार है, कुछ थकाऊ है, मगर साथ आने पर वो इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये मूवी टूटती शादियों, धोखे, सेक्सुअलिटी और नौकरी करियर की
बारे में बात करती है। ये सभी बेहद कॉमन मसले हैं जिससे रिलेट करना बहुत ही इजी है। उसके लिए मूवी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हालांकि ये मूवी इन टॉपिक्स को इतने जेन्युइन तरीके से डील नहीं करती कि इसे गंभीरता से लिया जाए, वास्तविक सोल्यूशन नहीं देती, बस गुड़मुड़ करके छोड़ देती है, जिसे कॉमेडी और हल्का फुल्का इमोशन एंगल निकल कर आता है, जो कि मूवी की मदद करता है। खेल खेल में एक साफ सुथरी कॉमेडी मूवी है। इसकी भी अपनी खामियां हैं। ये मनोरंजन के लिए यथार्थ का दामन छोड़ देती है। कई मामलों में ऐसा होता है कि ना माया ना मिली ना राम, मगर ये मूवी अपना एंटरटेनमेंट कोशंट बचा लेती है। यही इसकी जीत है। हिंदी फिल्म का हीरो नैतिक रूप से कभी गलत नहीं होता है। ये मानसिकता कई फिल्मों को ले डूबी है। खेल खेल में वहां जाती है मगर आखिरी सीन में वापस लौट आती है। कुछ एक मौकों पर मूवी ज्ञान झाड़ने की भी बहुत कोशिश करती है, मगर सेक्सुअलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बात करने को प्रीची नहीं कहा जा सकता। इस मूवी ने एक अक्षम्य अपराध किया है, वो ये है कि कूच न करी जैसे सुंदर गाने को रिमिक्स किया गया है। और ये कहने में कुछ मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस गाने को बर्बाद कर दिया गया। इसके लिए मैं निजी तौर पर मेकर्स को कभी माफ नहीं करूंगी। खेल खेल में अपने नाम को चरितार्थ करती है। इस मूवी का मकसद है आपका एंटरटेनमेंट करना। उसकी ये हर संभव कोशिश करती है, अधिकतर मौकों पर सफल होती है। एजुकेट करने की जिम्मेदारी भी अपने आप अपने कमजोर कंधों पर उठाने का प्रयास करती है। नाकामी सही, मगर इस एफर्ट के लिए मूवी को थोड़े बहुत अंक मिलने ही चाहिए। बाकी क्लीन कॉमेडी मूवी है जिसे फैमिली के साथ जाकर देखा जा सकता है। अब बात करते हैं वेदा की। आज हमारे देश को आजाद हुए 78 साल हो गए हैं, लेकिन जाति ऐसी चीज है जिसकी कालिख आज भी जनता के एक बड़े हिस्से का जीवन काला कर रही है। हम बड़े और तुम छोटे का हिसाब आज भी अलग अलग जगहों पर चल रहा है। यहाँ ऊंची जाति के लोग दलितों पर राज कर रहे हैं। अपने मानवीय अधिकारों का हनन, खुलकर सांस न ले पाने का डर और मौके न मिलने की खींच को मन में दबाए आज भी कई लोग हमारी इस दुनिया में जी रहे हैं। उन्हीं की कहानी मूवी वेदा में लेकर आए हैं जॉन अब्राहम और शर्वरी वाघ। मूवी की शुरुआत होती है पीओके से, जहां मेजर अभिमन्यु एक मिशन पर है। अपने कैप्टन के ऑर्डर ना मानने की वजह से उनकी नौकरी चली जाती है। तब आपको दिखाया जाता है कि आखिर अभिमन्यु ने जो किया वो क्यों किया। आतंकवादियों के हाथों अपनी बीवी को खो चुके अभिमन्यु उसी बीवी से किया वादा निभाने बाड़मेर पहुंच जाते। बाड़मेर में अपनी अलग ही व्यवस्था चल रही है। यहाँ अपने परिवार संग रहती वेदा बेरवा। डायरेक्टर निखिल आडवाणी ने ये भी मूवी बनाई है। मूवी की शुरुआत में ही साफ कर दिया जाता है कि इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई रिलेशन नहीं है। मूवी की कहानी असल जिंदगी के लोगों से ली गई है, लेकिन नाटकीय रूपांतरण दिखाया गया। वेदा को निखिल सेंसिटिव अप्रोच के साथ बनाने की कोशिश की है। समाज में जाति के चलते शोषण झेल रहे लोगों का अपना दम घुटते हुए महसूस करना, उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनके मन का डर मूवी के किरदारों में नजर आता है। सबके बीच प्रधान और अभिमन्यु के किरदार के बीच की टेंशन बहुत घनघोर है। मूवी का फर्स्ट हाफ अच्छा है, उछलती कूदती लोगों को घूरती वेदा के जीवन में आप एंट्री लेते हैं, लेकिन ये कहानी बहुत जल्द बहुत रियल और डार्क भी हो जाती है। सेकेंड हाफ में भी कहानी को बराबर कसा हुआ रखने की कोशिश की गई है, हालांकि इसका क्लाइमेक्स थोड़ा बिखरा हुआ है। मेजर अभिमन्यु वेद और प्रधान जितेंद्र प्रताप सिंह के बीच चलने वाली खूनी जंग जरूर आपको अपने साथ जोड़े रखती है। जॉन अब्राहम ने नो नॉनसेंस मेजर अभिमन्यु के रोल में कमाल किया है। जॉन की बात हो और एक्शन की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक्टर का एक्शन, उनके स्टंट कमाल है। इस मूवी के साथ जॉन आपको इमोशनल भी करते हैं। शर्वरी ने वेदा के किरदार को बखूबी निभाया है। वेदा की आंखों की आग और उसके मन की खींच को शर्वरी ने बखूबी पर्दे पर दिखाया है। जितेंद्र प्रताप सिंह के किरदार में अभिषेक बैनर्जी काफी बढ़िया है। आप स्त्री टू में उन्हें कॉमेडी करते देखेंगे, ऐसे में वेदा में उनका काम देख कर आप जरूर चौंक जाएंगे। एक किरदार जिसे देखकर आपका मन उसे थप्पड़ मारने का करता है, वो है प्रधान का भाई। यही बताता है कि एक्टर क्षितिज चौहान ने अपने किरदार को कितने अच्छे से निभाया है। वो एक क्रूर लड़का बना है जो किसी भी हाल में अपनी छोटी सोच को एक पल के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। इस किरदार के साथ क्षितिज ने पूरा न्याय किया है। आशीष विद्यार्थी, दानिश हुसैन, कुमुद मिश्रा, तमन्ना भाटिया, अनुराग ठाकुर और तान्या मल्हार ने अपने रोल्स को अच्छे से प्ले किया है। सभी ने अपने किरदारों से अलग लेयर जोड़ी है। मूवी का म्यूजिक भी अच्छा है, इसे आप एक चांस जरूर दे सकते हैं। ये तीनों ही फिल्में अपनी अपनी जगह बहुत ही अच्छी हैं। आप कोई भी मूवी जा सकते हो देखने के लिए। तमन्ना का शुरुआती फिल्मी सफर आसान नहीं रहा। उनकी बॉलीवुड डेब्यू मूवी ही फ्लॉप रही। फिर काम की तलाश में उन्होंने साउथ सिनेमा का रुख किया।
कुछ समय के बाद संघर्ष के बाद वहां तमन्ना ने वो मुकाम हासिल किया जिसकी वो हकदार थी। प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ की वजह से भी वो सुर्खियों में बनी रहती थी। विराट कोहली और पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ रिलेशनशिप की अफवाहें जोरों पर थी, लेकिन तमन्ना ने इन सभी बातों को बेबुनियाद बताया था। वहीं वो इन दिनों विजय वर्मा के साथ डेटिंग की खबरों को लेकर लाइमलाइट में हैं। तमन्ना ने अपने करियर में अधिकतर फिल्में तमिल और तेलुगु में ही की हैं। इस कारण अधिकतर लोगों का मानना है कि वो मूल रूप से साउथ से हैं, मगर ऐसा नहीं है। उनका जन्म 21 दिसंबर 1989 को मुंबई में सिंधी मूल में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता संतोष भाटिया पेशे से डायमंड मर्चेंट है। तमन्ना की परवरिश और पढ़ाई लिखाई मुंबई से ही हुई। तमन्ना 13 साल की उम्र से ही पृथ्वी थिएटर से जुड़ गई थी, जहां वो स्टेज परफॉर्म भी किया करती थी। एक्टिंग के हुनर से उन्होंने कम उम्र में ही पहचान बना ली थी। 2005 में उन्होंने पहली बार एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखा। पहली हिंदी मूवी फ्लॉप रही, उम्मीद हुई कि साउथ सिनेमा का रुख हुआ। 2005 में पहली बार वो अभिजीत सावंत की म्यूजिक वीडियो लफ्जों में दिखी। फिर उन्होंने इसी साल हिंदी मूवी चांद सा रोशन चेहरा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बदकिस्मती से मूवी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। पहले ही मूवी फ्लॉप हो जाने के बाद तमन्ना के लिए काम पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। करियर में बड़े बदलाव के लिए उन्होंने साउथ सिनेमा का रुख किया। करियर के शुरुआती दिनों के बारे में तमन्ना ने बरखा दत्त को दिए एक इंटरव्यू में बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें इंडस्ट्री में आए ज्यादा समय नहीं हुआ था, तब एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने उनसे कहा था, तुम एक्ट या डांस लड़कों जैसे करती हो, अपने एक्ट में लड़कियों जैसी लचक लाओ। तमन्ना ने 2006 की तेलुगु मूवी श्री से साउथ सिनेमा में डेब्यू किया था। इस साल वो तमिल मूवी कैदी में भी दिखाई दी थी। वक्त के साथ साउथ सिनेमा में तमन्ना को पॉपुलैरिटी मिलने लगी। कुछ समय बाद वो तमिल तेलुगु इंडस्ट्री का जाना पहचाना चेहरा बन गई। 8 साल बाद तमन्ना ने फिर हिंदी फिल्मों में वापसी की। वो 2013 की मूवी हिम्मत वाला में अजय देवगन के अपोजिट नजर आई थी। इसके बाद से वो चुनिंदा हिंदी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। हाल ही में उन्हें मूवी लव स्टोरीज 2 में भी देखा गया था। विराट कोहली और पाकिस्तानी क्रिकेटर से जुड़ चुका तमन्ना का नाम। तमन्ना अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी सुर्खियों में रही। उनका नाम विराट कोहली समेत पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रजाक से भी जुड़ चुका है। विराट कोहली अफवाहें ये रही कि तमन्ना ने विराट कोहली को भी डेट किया था। दोनों की मुलाकात एक एड शूट के दौरान हुई थी। इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी। हालांकि बाद में उनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप की वजह बताई गई थी कि विराट ब्राजीलियन मॉडल इजाबेल को डेट करने लगे थे। हालांकि बाद में तमन्ना ने इस खबर पर रिएक्ट किया था। उनका कहना था कि उस एड शूट के बाद दोनों कभी मिले ही नहीं। ये भी खबरें सामने आई थी कि तमन्ना पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रजाक के साथ रिश्ते में थी। एक बार दोनों साथ में ज्वेलरी शॉप में भी दिखाई दिए थे। तभी से डेटिंग की खबरें में तुल पकड़ लिया था। इस बारे में तमन्ना ने खुद बरखा दत्त के साथ इंटरव्यू में कहा, पता नहीं कहां से ये अफवाहें उड़ गई हैं, हम दोनों गलती से एक ही शॉप में स्पॉट हुए थे। मुझे रजाक जी के लिए ज़्यादा बुरा लगा था क्योंकि तब उनकी शादी हो चुकी थी और वो बच्चों के पिता थे। इसके बाद तमन्ना का नाम एक US बेस्ड डॉक्टर के साथ जुड़ा था। इस खबर में भी कोई सच्चाई नहीं थी। इस अफवाह के बाद तमन्ना ने एक स्टेटमेंट जारी किया था। उनका कहना था, ये सारी अफवाहें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि मैं हस्बैंड की शॉपिंग करने निकली हूँ। ऐसी खबरें बेबुनियाद है। मैं अकेली ही लाइफ में बहुत खुश हूँ। इन दिनों तमन्ना एक्टर विजय वर्मा के साथ डेटिंग की वजह से लाइमलाइट में। हर फंक्शन में दोनों एक साथ देखे जाते हैं। दोनों की डेटिंग की खबरें तब सुर्खियों में आई थी जब दिसंबर 2022 में तमन्ना और विजय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें दोनों किस करते नजर आए थे। इसके बाद दोनों को एक ही एयरपोर्ट पर अलग अलग समय स्पॉट किया गया था। इसके बाद दोनों अक्सर एक साथ स्पॉट किए जाते। तमन्ना ने अपनी सीरीज के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान बातों ही बातों में अपने रिश्ते को कन्फर्म भी कर दिया। उनका कहना था, वो और विजय एक ऐसे शख्स है जिनकी मैं बहुत केयर करती हूँ। वो मेरे हैप्पी प्लेस है। हाल ही में तमन्ना ने विजय के साथ लव स्टोरीज 2 में भी काम किया है। इस मूवी में दोनों को किस करते हुए देखा गया। इससे पहले तमन्ना ने किसी भी मूवी में किस नहीं किया था। शूटिंग शुरू होने से पहले ही वो नो किसिंग क्लॉज फॉलो करती थी, मगर इस मूवी में उन्होंने क्लॉज तोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तमन्ना की कुल नेटवर्थ 120 करोड़ रुपए है। वो एक मूवी के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। मूवी बाहुबली 2 के लिए उन्होंने 5 करोड़ रुपए की फीस चार्ज की थी। वहीं उन्होंने 2018 की IPL के ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने के लिए 50 लाख रुपए लिए थे। तमन्ना भाटिया मुंबई के आलिशान अपार्टमेंट में रहती हैं। उनका ये अपार्टमेंट जुहू के बेव्यू अपार्टमेंट में है जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। तमन्ना भाटिया के कार कलेक्शन में लैंड रोवर, डिस्कवरी स्पोर्ट, मर्सिडीज बेंज,
BMW 5 सीरीज जैसी गाड़ियां हैं, उनके पास 3 लाख का शैनेल ब्रांड का भी हैंडबैग भी है। इस साल की मोस्ट अवेटेड मूवी में से एक मूवी स्त्री 2। ये मूवी 21 अगस्त 2018 में आई स्त्री का दूसरा भाग है। इस मूवी में श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना मुख्य भूमिका में नजर आए। इस मूवी को देखने से पहले जान लें कि मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग भी बातें हैं। राजकुमार राव एक बार फिर से विक्की के किरदार में ही नजर आएंगे, जो बस रात दिन अपने प्यार के लौटने का इंतजार करता रहता है। उसका ये इंतजार कब खत्म होता है, ये तो अनजान लड़की यानी श्रद्धा के वापस आने के बाद ही होता है। वहीं बात करें पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी, सुनीता रजवार और अपार शक्ति खुराना की, ये सभी अपने पहले के किरदार रुद्र, जाना, बिट्टू और जाना की माँ के किरदार में नजर आएंगे। हालांकि इस बार मूवी में तमन्ना भाटिया का एक ट्विस्ट देखने को जरूर मिलेगा। मूवी में तमन्ना भाटिया शमा के किरदार में नजर आएंगी। आज की रात के मजेदार ट्रैक में शमा के रूप में तमन्ना ने अपने हॉट मूव से सोशल मीडिया में आग लगा दी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मूवी में तमन्ना शमा नाम की एक लड़की की भूमिका में नजर आएंगी। स्त्री 2 के ट्रेलर में तमन्ना, जिसे शमा के रूप में भी जाना जाता है, उसे एक अलौकिक शक्ति द्वारा घसीटा जाता हुआ दिखाया गया। हाल ही में रिलीज हुआ रोमांटिक गाना खूबसूरत में भेड़िया से भास्कर और स्त्री के अनोखे मिलन को दर्शाता है, जिसमें कृति सानोन भी थी। वरुण धवन भेड़िया उर्फ भास्कर के रूप में नजर आएंगे, जो स्त्री से रोमांस करते भी दिखाई देंगे, जबकि राजकुमार और विक्की भी श्रद्धा को लुभाने की पूरी कोशिश करते नजर आते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मूवी की पहली किस्त में स्त्री का किरदार निभाने वाली फ्लोरा सैनी को अब तक सीक्वल में पेश नहीं किया गया। हॉरर कॉमेडी की नई कहानी सरकटे नामक एक सिरहिन राक्षस के इर्द गिर्द घूमती है, जो चंदेरी के छोटे से शहर में महिलाओं का अपहरण करता है। जब शहर के लोग सरकटे से आतंकित होते हैं, तो विक्की, रुद्र, जना और बिट्टू श्रद्धा के किरदार के साथ मिलकर सरकटे को रोकने की योजना बनाते हैं। ट्रेलर में रुद्र ने खुलासा किया है कि ये सरकटे ही थे जिसने स्त्री को एक गुस्सेल आत्मा में बदल दिया था, जो पुरुषों को परेशान करती थी। स्त्री 2 का गाना आज की रात रिलीज हुआ था, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस गाने में तमन्ना भाटिया ने जोरदार डांस किया और लोगों की खूब वाहवाही भी बटोरी। स्त्री 2 के इस आइटम नंबर में तमन्ना ने अपने हॉट मूव से आग लगा दी। लेकिन क्या आपको पता है कि उनके इस बोल्ड और हॉट डांस मूव्स के पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की थी, यहाँ तक कि वो अपना जन्मदिन भी भूल गई थी। इन्हीं लम्हों को याद करते हुए तमन्ना ने स्त्री 2 के गाने आज की रात के सेट से एक BTS वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया। 6 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 15 अगस्त को मूवी स्त्री 2 सिनेमा घरों के लिए में आ चुकी है। मूवी का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है। कुछ दिन बाद इसका आइटम सॉन्ग आज की रात भी रिलीज हुआ था, जिसमें तमन्ना भाटिया ने अपनी हॉट मूव से सभी को हैरान कर दिया। स्त्री 2 के गाने आज की रात में तमन्ना भाटिया का शानदार डांस हर किसी को पसंद आया। इस गाने में उनकी बोल्डनेस ने सभी के होश उड़ा दिए, लेकिन इस बोल्डनेस के पीछे डांस के चक्कर में अभिनेत्री की कुल्फी बन गई थी। खुद अभिनेत्री ने सेट से BTS वीडियो शेयर किया, जिसकी झलक दिखाई। तमन्ना भाटिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आज की रात के सेट से एक वीडियो साझा किया। इस क्लिप में अभिनेत्री ठिठुरती सर्दी में आइटम नंबर की शूटिंग करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में तमन्ना कहती नजर आई कि इस स्त्री को आइसक्रीम खाना पसंद है, आइसक्रीम बनना नहीं। जैसे ही शॉर्ट कट हुआ, एक्ट्रेस शॉल में लिपट गई। आगे तमन्ना ने पूरे वीडियो में बताया कि कैसे उन्होंने इस वीडियो को शूट किया, साथ ही कैसे वो इस शूटिंग के दौरान अपना बर्थडे तक भूल गई थी। जिस समय आज की रात की शूटिंग हो रही थी, उस दिन तमन्ना भाटिया का बर्थडे था, जो उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं था। उन्होंने बताया कि डांस करने के चक्कर में वो अपना बर्थडे भूल गई, लेकिन सेट पर लोगों ने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। जॉन अब्राहम की मोस्ट अवेटेड मूवी वेदा सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है। एक्शन के लिए मशहूर अभिनेता ने अपनी मूवी को रिलीज करने के लिए इंडिपेंडेंस डे का दिन चुना, वो भी ये जानते हुए कि इस दिन 2 अन्य फिल्में स्त्री 2 और खेल खेल में भी आने वाली है। जॉन को तो पूरा बिलीव है कि उनकी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाल करेगी। अभिनेता हाल ही में अमर उजाला के एक इंटरव्यू के हिस्सा बने, जिसमें उन्होंने मूवी को बनाने में लगी अपनी मेहनत को साझा किया, साथ ही ये भी विश्वास दिलाया कि ये ऑडियंस का दिल जरूर जीतेगी। यूं तो जॉन सादगी भरा जीवन बिताते हैं, लेकिन अभिनेता का बैंक बैलेंस हैरान करने वाला है। आइए जॉन की कुल संपत्ति पर एक झलक डाल लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉन अब्राहम ने पिछले साल के अंत में मुंबई के खार में 70.83 crore रुपए का एक बंगला खरीदा। अब्राहम ने वर्षों से अटैक, बाटला हाउस, परमाणु दी स्टोरी ऑफ पोखरण, न्यूयॉर्क और अन्य फिल्मों से सिनेमा प्रेमियों का मनोरंजन किया है। जॉन इंडियन सुपर लीग में फुटबॉल टीम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और हॉकी टीम दिल्ली वेव राइट्स के सह मालिक है। अभिनेता फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी तगड़ी कमाई करते हैं।
जानकारी के अनुसार 270 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ स्टार के पास करोड़ों की कीमत वाली लग्जरी गाड़ियां भी हैं। इसमें लैम्बोर्गिनी गैलार्डो भी शामिल है। मुंबई के बांद्रा में अभिनेता का समंदर किनारे एक पेंट हाउस भी है जो 4000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। साल 2016 में जॉन अब्राहम के पेंट हाउस को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चरल डिजाइन की ओर से बेस्ट होम अवार्ड भी दिया जा चुका है। इसे जॉन के पिता और भाई ने मिलकर डिजाइन किया था। रिपोर्ट की माने तो अभिनेता के इस घर की कीमत 60 करोड़ रुपए है। भारत के अलावा जॉन अब्राहम सात समंदर पार भी कई प्रॉपर्टी के मालिक हैं। वेदा, अभिनेता का लंदन में घर है जो उनके प्रोडक्शन हाउस का ओवरसीज हेडक्वार्टर है। अभिनेता का लॉस एंजलिस के सबसे महंगे इलाके में एक बंगला है जहां ब्रेड पिट, बियॉन्से और जेनिफर लोपेज समेत कई हॉलीवुड स्टार्स भी रहते हैं। जॉन अब्राहम अभिनेता के साथ साथ मूवी निर्माता भी हैं। मुंबई के खार इलाके में उनका ऑफिस है जिसकी कीमत तकरीबन 21 करोड़ रुपए है। प्रमोशन के वक्त जॉन ने मूवी से हटकर भगवान, आस्था और धर्म पर खुलकर बात की। उन्होंने ये भी बताया कि वो नास्तिक क्यों हैं। जॉन ने रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में कहा, मुझे उन लोगों से बहुत जलन होती है जो भगवान में आस्था रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आस्था में पहाड़ों को तक हिलाने की ताकत होती है। आस्था और विश्वास, ये दोनों बहुत बड़ी चीज़ें हैं। मेरे लिए धर्म यही है। ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, यहूदी, बौद्ध, जैन, सिख, आप जो भी हो, आस्था होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे लिए यही सबसे बड़ा भगवान है, आस्था है। पॉडकास्ट के दौरान जब जॉन से पूछा गया कि उनका भगवान में विश्वास क्यों नहीं है, तब जॉन ने कहा, मैं साइंस को फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं एक साइंटिफिक इंसान हूँ। इसके बाद जॉन ने कहा, मैं रूड नहीं साउंड करना चाहता हूँ, मैं लोगों का और उनके धर्म का सम्मान करता हूँ, लेकिन एक बार जब किसी धर्म में तकरीहीन चीज़ें होने लगती है ना, जैसे कि कुछ रीति रिवाज और परंपराएं जिन्हें देखकर आप सोचते क्यों, ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो वो मुझे बहुत ही ख़राब चीज़ लगती है। मैं लोगों की आस्था पर कॉमेंट नहीं करूँगा, मैं बस इतना कहूँगा कि थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ कर लिया कीजिए। वैसे जॉन ने फिल्म इंडस्ट्री में सफलता के लिए लंबा संघर्ष किया है। वो एक आउटसाइडर थे, शुरुआत मॉडलिंग से की और फिर एक्टिंग की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन इसमें उन्हें लंबे समय तक क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। लोगों ने कहा तुमसे एक्टिंग नहीं होगी। इसके बाद भी जॉन ने हार नहीं मानी और बॉलीवुड में एक्शन स्टार और सफल प्रोड्यूसर के तौर पर अपनी जगह बना ली। 20 साल के फिल्मी करियर में जॉन ने 4 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किए। उनकी प्रोड्यूस की गई मूवी विकी डोनन एक नेशनल अवार्ड भी जीता। इनकम और पॉपुलैरिटी के दम पर जॉन 2017 में फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 सेलिब्रिटी लिस्ट में जगह बना चुके हैं। जॉन मिक्स्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके पिता अब्राहम जॉन कैरल के एक मलयाली सीरियन ईसाई हैं और उनकी माँ ईरानी हैं जो गुजरात से हैं। जॉन का पारसी नाम फरहान अब्राहम है। उनकी स्कूलिंग मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से हुई है जहाँ ऋतिक रोशन, उदय चोपड़ा और अभिषेक बच्चन भी उनके साथ ही पढ़ते थे। तीनों के साथ आज भी जॉन की बेहतरीन बॉन्डिंग है। स्कूलिंग पूरी होने के बाद जॉन ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने MBA किया। बॉलीवुड में जगह बनाने से पहले जॉन अपने पिता और भाई की तरह आर्किटेक्ट ही बनना चाहते थे। उन्होंने मीडिया रिलेशंस में काम किया और कई कंपनीज के लिए मीडिया प्लानर और प्रमोशन मैनेजर के तौर पर भी काम करने लगे। इसके लिए उन्हें 6500 की सैलरी मिला करती थी। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। बतौर मॉडल उनका पहला म्यूजिक वीडियो सूरमा था जिसके लिए सिंगर जेजी बी थे। जॉन ने मीडिया फर्म एंड टाइम एंड स्पेस मीडिया एंटरटेनमेंट प्रमोशंस लिमिटेड कंपनी भी ज्वाइन की थी जो कि बाद में फाइनेंशियली क्राइसिस के चलते बंद हो गई थी। अपनी एक्टिंग स्किल सुधारने के लिए उन्होंने किशोर नमित कपूर के एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। मॉडलिंग असाइनमेंट पूरे करते हुए जॉन ने एक्टिंग कोर्स भी पूरा कर लिया। इस समय जॉन मॉडलिंग की दुनिया में जाना माना नाम बन चुके थे और उन्हें इंडिया का टॉप मॉडल कहा जाने लगा था। मॉडलिंग के बाद जॉन के लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुल गए। बात साल 2002 के बाद की है जब महेश भट्ट अपनी मूवी जिस्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे। महेश भट्ट को एक ऐसा फ्रेश चेहरा चाहिए था जो पर्सनालिटी में संजय दत्त जैसा हो। उनकी ये तलाश जॉन पर आकर ख़त्म हो गई। उन्होंने जॉन से कहा कि जिस मूवी के लिए उन्हें लेना चाहते हैं वो लीक से हटकर है। जॉन ने महेश भट्ट की सारी शर्तों को माना और मूवी जिस्म से साल 2003 में डेब्यू किया। इस मूवी के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला। मूवी में जॉन ने कबीर लाल नाम के लड़के का किरदार निभाया। जिस्म हिट रही और इसने बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 1,32,00,000 का कलेक्शन किया। 2003 में ही जॉन की दूसरी मूवी साया रिलीज हुई लेकिन ये पिट गई।
इसके बाद आई मूवी पाप और लकीर भी फ्लॉप साबित हुई। लोग उनकी एक्टिंग स्किल्स पर सवाल उठाने लगे। एक इंटरव्यू में जॉन ने खुद ये बात कबूली थी कि वो जब मॉडलिंग से एक्टिंग में आ रहे थे तब भी लोगों ने उनसे कहा था कि एक्टिंग उनके बस की बात नहीं है, वो फेल हो जाएंगे, लेकिन जॉन ने किसी की नहीं सुनी। इसके बाद जॉन ऐलान, करम जैसी फ्लॉप फिल्मों में दिखे। हालांकि गरम मसाला और कॉल ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया। इसके बाद जॉन ने जिंदा, टैक्सी नंबर 9211, बाबुल और काबुल एक्सप्रेस जैसी फिल्में की, लेकिन करण जौहर के प्रोडक्शन में मूवी दोस्ताना उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। मूवी ने तकरीबन 87.15 CR का कलेक्शन किया। मूवी में मनचाही सफलता ने मिलने पर जॉन ने बतौर प्रोड्यूसर अपनी किस्मत आजमाई। 2012 में उन्होंने जे एंटरटेनमेंट के नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस खोला और मूवी विकी रोनो प्रोड्यूस की, जिसमें आयुष्मान खुराना, यामी गौतम मुख्य भूमिका में थे। मूवी को क्रिटिकल और कमर्शियल दोनों सक्सेस मिली। इस मूवी को बेस्ट मूवी इन होलसम एंटरटेनमेंट का नेशनल अवार्ड भी मिला। इसके बाद जॉन ने मद्रास कैफे प्रोड्यूस की, जिसे क्रिटिक्स से सराहना मिली। 2023 में रिलीज हुई पठान ने जॉन को सबसे बड़े एक्शन स्टार्स में से बना दिया। जॉन काफ़ी दिनों बाद किसी मूवी में नेगेटिव किरदार निभाते दिखे थे। मूवी में शाहरुख और उनके बीच पावर पैक्ड एक्शन देखने को मिला। इसके लिए उन्हें 20 करोड़ की फीस भी दी गई थी। यशराज की मूवी धूम में भी जॉन विलन बने थे। इसके अलावा रेस 2 में भी उन्हें विलन के रोल में काफ़ी पसंद किया गया था। मूवी के अलावा जॉन की पर्सनल लाइफ भी काफ़ी चर्चा में रही। हालांकि अब वो इसे लेकर बेहद सिक्रेटिव हो चुके हैं। जॉन कभी बिपाशा बासु के साथ रिलेशनशिप में हुआ करते थे। दोनों ने एक दूसरे को 9 साल तक डेट किया। लिव इन में भी रहे, लेकिन फिर इनका ब्रेकअप हो गया। इन्हें इंडस्ट्री के हॉटेस्ट कपल में से एक भी माना जाता था। इनके अलग होने की कोई ठोस वजह सामने नहीं आई, लेकिन कहा जाता है कि बिपाशा रिलेशनशिप को शादी में बदलने का दबाव बना रही थी, जबकि उस वक्त जॉन ऐसा नहीं चाहते थे। बिपाशा जॉन से शादी करना चाहती थी, लेकिन जब ऐसा नहीं हो सका तो उनका दिल टूट गया। एक इंटरव्यू में बिपाशा ने कहा था, मुझे इस सदमे से निकलने में कई महीने लग गए थे। मेरे लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था कि मेरा और जॉन का रिश्ता टूट चुका है। बिपाशा ने कहा था, जॉन की वजह से मैंने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। मैं अपना पूरा समय सिर्फ जॉन को ही देती थी, फिल्में तक करना बंद कर दिया था। बहरहाल इस ब्रेकअप के बाद बिपाशा ने करण सिंह ग्रोवर से शादी कर ली थी। वहीं जॉन ने 2014 में NRI प्रिया रुंचाल से शादी की, जो कि एक बैंकर हैं। प्रिया से जॉन की मुलाकात जिम में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी और इसी जिम में बिपाशा जॉन साथ वर्कआउट भी किया करते थे। बिपाशा को दोनों के अफेयर की भनक नहीं थी। जॉन अपनी फिटनेस को लेकर इतने सजग हैं कि वो दिन में घंटों जिम में बिताते हैं। फिजिक मेंटेन करने के लिए वो स्ट्रिक्ट डाइट भी फॉलो करते हैं। 2022 में शिल्पा शेट्टी के रेडियो शो शेप ऑफ यू में जॉन ने बताया था कि उन्होंने 27 साल से शक्कर नहीं खाई है। जॉन ने यह भी कहा था कि वो मानते हैं कि शक्कर स्मोकिंग से भी खतरनाक है और इसे जहर मानते हैं। वो कोल्ड ड्रिंक हो गया, अल्कोहल से भी वो बहुत दूर रहते हैं। 2021 में अमिताभ बच्चन के शो KVC में जॉन ने बताया था कि उनके पास कुल 18 बाइक्स हैं। इस बाइक कलेक्शन में BMW S1000, RR, यामाहा VMAX के साथ साथ कावासाकी निंजा, ये सारी बाइक शामिल हैं। जॉन ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपनी बाइक्स ऑफिस में ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर समय वो वहीं रहते हैं। हर राइड के मुताबिक उनके पास हेलमेट भी है। जॉन बिजनेस से भी कमाई करते हैं। खुद फिट रहने वाले जॉन जिम भी चलाते हैं। जे फिटनेस नाम से जॉन के दो जिम हैं। एक जिम मुंबई के वर्ली में है तो वहीं दूसरा पुणे में है। इसके अलावा जॉन का दिल्ली में फैट अब्राहम बर्गर नाम से एक रेस्टोरेंट भी है। जॉन की नेटवर्क 270 CR है। वो अब तक करीब 45 फिल्मों में बतौर एक्टर और 7 फिल्मों में बतौर प्रोड्यूसर काम कर चुके हैं। उनकी अगली मूवी हाउसफुल 5। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की मूवी स्त्री 2 सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। इस हॉरर कॉमेडी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। स्त्री 2 में श्रद्धा और राजकुमार के साथ अभिषेक बैनर्जी, पंकज त्रिपाठी और अपार शक्ति खुराना अहम किरदार निभाते नजर आए हैं। अभिषेक बैनर्जी ने एक्टिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है। वो एक साथ 2 फिल्मों में दिख रहे हैं, एक है स्त्री 2 और दूसरा है वेदा। मगर अपनी धाक जमाने से पहले उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। एक्टिंग के लिए उन्होंने बहुत ऑडिशन दिए हैं। अभिषेक बैनर्जी ने अपने करियर की शुरुआत रंग दे बसंती से की है। वो स्त्री, भेड़िया जैसी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने मिर्ज़ापुर और पाताल लोक जैसे वेब शोज में भी काम किया है, जो सुपरहिट साबित हुए थे। अभिषेक का शुरू से सपना था कि वो एक्टर बने, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो IAS ऑफिसर बने। वो आर्मी बैकग्राउंड से थे, जिसकी वजह से उनके पापा चाहते थे वो ऑफिसर बने।
नवभारत टाइम्स से खास बातचीत में अभिषेक ने अपने करियर के बारे में बात की। उन्होंने अपने रिजेक्शन के दिनों को याद किया था। उन्होंने कहा, मुझे डर था कि मैं एक्टर बनने तो आया हूँ पर बन पाऊंगा या नहीं। मैं दिल्ली में थिएटर करता था, एक्टिंग के अलावा मुझे और कुछ आता भी नहीं था। अभिषेक एक्टर बनने से पहले कास्टिंग डायरेक्टर थे। उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर होने के साथ एक जगह ऑडिशन देने लगे जहाँ पर एक बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर थे। अभिषेक ने कहा, मैं उन कास्टिंग डायरेक्टर को फ़ोन कराना चाहता था मगर उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। मैं घंटों तक लाइन में खड़ा रहा था, मेरे लिए वो बहुत बड़ा सदमा था। मगर मैं अमर कौशिक, निखिल आडवाणी, विपुल शाह जैसे डायरेक्टर्स को शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया। अभिषेक बैनर्जी सभी से अनोखे हैं। हथौड़ा त्यागी से मशहूर हुए एक्टर अब जना के रोल में भी पॉपुलर है, मगर इनकी गाड़ी यहाँ पहुँची कैसे, आइए जानते हैं। अभिषेक बैनर्जी का जन्म 5 मई 1985 को पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम आलोक बैनर्जी है, वो पूर्व सहायक कमांडेंट थे। वहीं उनकी मां का नाम सुमीरा बैनर्जी है जो एक हाउसवाइफ है। एक्टर ने दिल्ली में ग्रेजुएशन किया था, इसके बाद उन्होंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की थी मगर मन नहीं हुआ तो इसे उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किड़ोड़ी मल कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स की डिग्री हासिल की। अभिषेक बैनर्जी दिखने में जितने साधारण हैं वैसे वो असल में है नहीं। अब आप खुद देखिए कि उन्होंने क्या क्या पढ़ाई की है, उनके सब्जेक्ट्स क्या रहे हैं। तो ये एक शानदार एक्टर के साथ साथ अकलमंद शख्स भी हैं। एक्टर ने इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई के बाद वहीं से अभिनय की पढ़ाई भी की और किड़ोड़ी मल की ड्रामेटिक सोसाइटी में मेंबर बन गए। फिर इन्होंने दिल्ली थिएटर से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। दीदी शो, स्कूल डेज में काम किया। उनकी पहली फिल्म रंग दे बसंती थी जिसमें वो एक डॉक्यूमेंट्री रोल के लिए ऑडिशन देने वाले स्टूडेंट बने थे। एक्टिंग के बारे में तो आपने जान लिया, अब उनके दूसरे हुनर के बारे में भी जान लीजिए। साल 2008 में अभिषेक दिल्ली से मुंबई आ गए थे। यहाँ 2 साल बाद उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर की नौकरी की। एक्टर से सीधे वो कास्टिंग डायरेक्टर बन गए थे। हालांकि इसी साल उन्होंने सोल ऑफ सैंड में भी अभिनय किया था, मगर चौंकाने वाली बात यह है कि अभिषेक ने दी डर्टी पिक्चर और नो वन किल जेसिका में कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। उन्होंने रानी मुखर्जी स्टारर मूवी में एक्ट भी किया था। इसके अलावा बजाते रहो और मिक्की वायरस में भी उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। जिस वेब सीरीज से अभिषेक बैनर्जी फेमस हुए उसमें भी ये कास्टिंग डायरेक्टर थे। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे पाताल लोक की, जिसमें ये हथौड़ा त्यागी बने थे और इनके किरदार ने सभी को झकझोर कर रख दिया था। 2006 से ये इंडस्ट्री में एक्टिव हैं, जिसमें से इन्होंने कई सीरीज की हैं, कई फिल्में की हैं और कई फिल्मों में बतौर कास्टिंग डायरेक्टर काम किया है। हालांकि वो बात अलग है कि ये लीड रोल में अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं, साइड रोल से ही इनकी काम चलना स्टार्ट हुई है। मगर जो भी काम किया है इन्होंने, सबसे बवाल ही मचाया है और मचा रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में स्त्री टू और वेदा लोक एक्टर अभिषेक बैनर्जी से स्टार्स की भारी फीस के चलते फिल्मों के बढ़ते बजट के बारे में भी उनकी राय पूछी गई। इस पर उन्होंने कहा, ये पूरी तरह से स्टार्स की चीज़ है, इसके लिए एक्टर्स को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने बताया कि जब वो कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे तब उन्होंने देखा था कि स्टार्स की तरह से अनुचित डिमांड की जाती है। उन्होंने कहा, मैं कई सालों से फिल्मों और शो के लिए कास्टिंग कर रहा हूँ, कुछ स्टार्स द्वारा बहुत सारी अनावश्यक मांगें की जाती हैं। इससे होता क्या है कि एक्टर्स को पैसे नहीं मिलते। मुझे मेकर्स द्वारा कहा जाता था कि कम पैसों में कास्ट करो। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि स्टार्स ये सच्चाई जानते हैं या नहीं। कई बार अच्छे एक्टर्स को फिल्मों और सीरीज के लिए मामूली सा पैसा मिलता है। उन्होंने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि स्टार्स की वजह से लोग थिएटर में फिल्में देखने आते हैं, लेकिन इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि एक्टर्स मूवी की कहानी में वैल्यू जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि कोई किसी स्टार के बॉडीगार्ड को एक एक्टर के दैनिक वेतन से आधुनिक भुगतान नहीं कर सकता। अभिनेता अभिषेक बैनर्जी ने 15 अगस्त को अनोखा कारनामा करके दिखाया। उनकी एक ही दिन में 2 फिल्में रिलीज हुई और दोनों ही फिल्मों में उनके अहम किरदार थे। खास ये है कि दोनों ही फिल्मों के लिए उनकी जमकर तारीफ भी हो रही है। जी हाँ, हम बात करें स्त्री मूवी के जना यानी अभिषेक बैनर्जी की। स्त्री 2 हॉरर कॉमेडी है तो वेदा एक्शन मूवी है जिसमें वो अहम रोल में है। अब अभिषेक बैनर्जी का इन दोनों फिल्मों के साथ एक साथ रिलीज होना और उनकी तारीफ को लेकर रिएक्शन आया है। स्त्री और वेदा के लिए मिल रही तारीफ पर अभिषेक बैनर्जी ने कहा, ये दोहरी रिलीज एक अनूठी चैलेंज थी और मैं दोनों फिल्मों के लिए मिल रहे प्यार और सराहना को देखकर बहुत खुश हूँ। इस तरह के विपरीत किरदारों को एक के बाद एक निभाना कोई आसान काम नहीं था।
लेकिन सकारात्मक समीक्षा और ऑडियंस की प्रतिक्रियाएं काफ़ी मायने रखती है। मैं हमेशा मेरे साथ खड़े रहने और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए अपने फैंस का आभारी हूँ। इन फिल्मों की रिलीज़ पहले अभिषेक बैनर्जी ने कहा था कि एक ही दिन दो फिल्में का रिलीज़ होना अनबिलीवेबल है, ये बॉक्स ऑफिस पर ख़ुद को टक्कर देने जैसा है। मैं ये नहीं सुन सकता या नहीं चुन सकता कि कौन सी मूवी मेरे दिल के करीब है, क्योंकि ये आपके पसंदीदा बच्चे को चुनने या तय करने जैसा है कि आप किसे माता पिता है और किसे ज़्यादा अधिक प्यार करते। लेकिन मैं जो कह सकता हूँ वो ये है कि ये मेरे प्रशंसकों के लिए एक ही दिन में मेरे दो अलग अलग पक्षों को देखने का एक शानदार अवसर है। ये दोहरी सफलता अभिषेक बैनर्जी के करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसने बॉलीवुड के सबसे बहुमुखी और प्रतिभाशाली अभिनेताओं में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया है। इस बैक टू बैक जीत के साथ अभिषेक ने मूवी उद्योग में अपने लिए एक जगह बनानी जारी रखी है और अपना हर भूमिका से दर्शकों का दिल जीत लिया है। अभिषेक बैनर्जी ने मूवी वेदा में एक राजस्थानी दबंग का किरदार निभाया है, जो जाति जगत भेदभाव करने के चलते मूवी की नायिका वेदा के निशाने पर आ जाता है। मूवी में वेदा का किरदार शर्वरी वाघ ने किया है, जिसे मूवी में मेजर अभिमन्यु का किरदार निभा रहे जॉन अब्राहम प्रशिक्षित करते हैं। जॉन और शर्वरी के अलावा मूवी में अभिषेक बैनर्जी, आशीष विद्यार्थी, कुमुद मिश्रा और राजेंद्र चावला ने भी अहम भूमिका निभाई है। नए कलाकारों क्षितिज चौहान की इस मूवी को लेकर अभी से खूब तारीफ हो रही है। मूवी वेदा के ट्रेलर लॉन्च में जॉन और शर्वरी ने भी उनका नाम लेकर उनका जिक्र कई बार किया है। मूवी में तमन्ना भाटिया और मोनी रॉय की भी खास भूमिकाएं हैं। वेदा में कुमुद मिश्रा भी अहम रोल में हैं, लेकिन इनको शायद बहुत कम लोग जानते हैं, आइए इन पे गौर फरमाते हैं। 16 अगस्त को एक्टर कुमुद मिश्रा का बर्थडे होता है, वो आदमी जिसके पास रणबीर कपूर गए अपना दिल टूटने से बचाने के लिए, जिन्होंने सलमान खान से कहा कि ज़्यादा शाहरुख खान ना बने। एक और एक्टर है आयशा रजा मिश्रा, कुमुद मिश्रा की पत्नी भी हैं, उनका भी बर्थडे 16 अगस्त को ही होता है। ये भी एक संयोग है, आजकल जन्मदिन सिर्फ ग्राम में नहीं इंस्टाग्राम में भी बनता है। आयशा ने कुमुद को बर्थडे विश करते हुए लिखा, जी हम अपने बर्थडे को बहुत सीरियसली लेते हैं, मुझे इस बात की बहुत बहुत खुशी है कि मैं अपना जन्मदिन इस कमाल के काबिल, दयालु और बड़े दिल वाले आदमी के साथ शेयर करती हूँ। हम दोनों को हैप्पी बर्थडे कुमुद मिश्रा। कुमुद मिश्रा ने भी जवाब में विश करते हुए कहा कि फिर से 16 अगस्त, फिर से एक जन्मदिन हम दोनों का, माता पिता है। अब कुछ रवायती बातें, काम की बातें। कुमुद मिश्रा ने अपने करियर की शुरुआत स्वाभिमान से की थी। दूरदर्शन के इस चर्चित शो में उन्होंने एक ट्रेड यूनियन लीडर का रोल किया था। 1996 में इनकी श्याम बेनेगल डायरेक्टेड पिक्चर आई सरदारी बेगम, मगर लोगों ने कायदे से जाना रॉकस्टार में खटाना भाई के रोल से। अगले साल उनकी फिल्मिस्तान आई, जिससे बेस्ट हिंदी मूवी का नेशनल अवार्ड मिला। उसके बाद काम की झड़ी लग गई। रांझना, बदलापुर, सुल्तान, रुस्तम, जॉली LLB, मुल्क, टाइगर जिंदा है, थप्पड़ और कुत्ते जैसी फिल्मों में काम किया। इन सब के बीच इन्होंने राम सिंह चार्ली नाम की पिक्चर कर डाली, जिसकी खूब तारीफ हुई। फिर डॉक्टर अरोरा नाम की सीरीज आई, ज़बरदस्त काम माना गया। कुमुद मिश्रा आखिरी बार लव स्टोरी 2 में काजोल के साथ दिखाई दिए थे। इसमें उनका किरदार एक अब्यूजिव हस्बैंड का था। पिछले साल उनकी सलमान खान के साथ टाइगर 3 भी आई थी। वहीं अगर कुमुद की वाइफ की बात करें तो आयशा रजा मिश्रा ने अपना करियर स्टार्ट किया था थिएटर से, धीरे धीरे 8 फिल्में और फिर टीवी शोज में एंट्री हुई। उनकी पहली पिक्चर थी रजत कपूर डायरेक्टेड रघु रोमियो। फिर धूम में उन्होंने एक जर्नलिस्ट का रोल किया था। साल 2015 में उन्होंने वैसे कई प्रोजेक्ट्स में काम किया, मगर जोया अख्तर की दिल धड़कने दो और यूट्यूब सीरीज़ बैंग बाजरा बारात ने उन्हें मकबूलियत बख्शी। इससे पहले ही उन्हें अपना टाइप पता चलता, फिल्म इंडस्ट्री ने स्टीरियोटाइप कर दिया, उन्हें लाउड पंजाबी माँ टाइप के रोल में मिलने लगे, जो अपने आप में बड़ा स्टीरियोटिपिकल मसला है। खैर, आगे आयशा ने हैप्पी भाग जाएगी, बेफिक्रे, मदारी, टॉयलेट एक प्रेम कथा, सोनू की टीटू की स्वीटी, वीरे दी वेडिंग और भारत जैसी फिल्मों में काम किया। वो आखिरी बार तू झूठी मैं मकार में दिखाई दी थी। इसके अलावा वो अमेजॉन प्राइम सीरीज मेड इन हेवन फॉर और G5 सीरीज मैरिड वुमेन का भी हिस्सा रह चुकी हैं। एक इंटरव्यू के दौरान अभिनेता कुमुद मिश्रा ने कहा कि ऑडियंस को भले ही मेरा काम पसंद आता हो, लेकिन मैं अपनी फिल्में नहीं देखता क्योंकि उस पर मुझे मेरी खामियां नज़र आती हैं। रॉकस्टार अच्छी मूवी है, ये मूवी मैंने 4 साल बाद देखी। मूवी निर्माण के दौरान मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने अच्छा काम किया है। कुमुद ने कहा कि मुझे थिएटर में मज़ा आता है। एक मूवी के ऑडिशन के लिए मुंबई आया और जोगेश्वरी में कदम रखा तो मुझे लगा कि इस शहर से
मुझे जाना नहीं है, लेकिन सिनेमा कहीं दिमाग में नहीं था। इस प्रमाण ये है कि सरदारी बेगम मूवी करने की भूमिका के बाद 10 साल सिनेमा नहीं किया। मैं टेलीविज़न सिर्फ पैसे के लिए करता था, मेरी थिएटर की भूख पूरी हो रही थी। जब मैं टेलीविज़न से उब गया तब सिनेमा की तरफ रुख किया। अभिनेता मिश्रा ने कहा कि गाँव कस्बे से लेकर महानगर तक जीवन जिया, उसका अनुभव मुझे मेरे काम में मदद कराता है। जब कोई किरदार करता हूँ तो मुझे पता भी नहीं होता कि कब पिता, कोई रिश्तेदार, मित्र उस किरदार में शामिल हो जाते हैं। पढ़ने के शौक के बारे में कहा कि जितना पढ़ पाता हूँ पढ़ता हूँ, लेकिन अजीब बात यह है कि भूल जाता हूँ, सिर्फ भाव रह जाता है, घटनाएँ छूट जाती हैं, इमोशंस ही साथ रहते हैं। मुझे लगता है कि किताबों के साथ समय बिताना ज़रूरी है, किताबें हमें जीवन देती है। भाषा के बारे में उन्होंने कहा कि अब भाषा अर्थ खोती जा रही है, संवाद करने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है। आजकल लोग इमोजी में बात करते हैं, कोई गुजरता है तो हम जाने के लिए बजाय RIP लिख देते हैं, छुटकारा पा लेते हैं। कुमुद ने श्रोतागणों के सवालों के जवाब भी दिए। कुमुद मिश्रा ने बताया कि जब वो बिहार आ रहे थे तो उनके जहन में सिर्फ यही था कि पटना पहुँचने पर सबसे पहले अपना वर्क स्पेस देखना है, जहाँ पर जाकर थिएटर करना है। लेकिन जब भी बिहार का जिक्र होता है तो इसका बड़ा इतिहास रहा है। यहाँ से निकलकर बुद्ध ने दुनिया को शांति का संदेश दिया है। बिहारी लोग काफ़ी जीवित होते हैं और अपनी मेहनत से अपनी प्रतिभा का हर जगह लोहा मनवाते, अपनी जगह बनाते। बिहारी लोग काफ़ी जुझारू होते हैं। उन्होंने बताया कि वो खाने पानी पीने की शौकीन हैं और पटना आने पर सबसे पहले उन्होंने लिट्टी चोखा का स्वाद लिया। उन्हें लिट्टी चोखा काफ़ी पसंद आया। कुमुद मिश्रा कहते हैं, जब अभिनय में जा रहे हैं तो टिके रहें, संघर्ष तो है ही, रास्ता बनता है, अपने सिचुएशन के अनुसार रास्ता तय करते हुए डटे रहे। थिएटर अभिनय की बारीकियों से अवगत कराता है। अभिनय की चाह रखने वालों के लिए थिएटर करना और थिएटर देखना बहुत ज़रूरी है। अभिनय में हर कैरेक्टर अपने साथ प्रक्रिया लेकर आता है और ये अभिनय के दौरान पता चलता है। वहीं उनको हालिया रिलीज मूवी वेदा की बात करें तो अच्छी शुरुआत के बाद कई बार क्रिकेट के गेम में खिलाड़ी जल्दी आउट हो जाता है। काफ़ी उम्मीदें जगाने के बाद भी कोई चीज़ निराश कर जाती है, कुछ ऐसा ही वेदा के साथ हुआ। अच्छा ट्रेलर, अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा फर्स्ट हाफ, लेकिन फिर भी कहीं रह गई कमी। ये कहानी है ऊंच नीच की, जात पात की, जो कई जगह सालों से चल रहा है। राजस्थान के बाड़मेर की ये कहानी, जहाँ 150 गांव का प्रधान वहाँ का कानून तय करता है। वहाँ एक नीची जात के लड़के को ऊंची जात की लड़की से प्यार हो जाता है और फिर शुरू होता है एक खूनी खेल। वेदा नीची जाति की लड़की है, बॉक्सर बनना चाहती है। आर्मी से निकाले गए अभिमन्यु यानी जॉन उसकी मदद करते हैं, लेकिन फिर वेदा के भाई की मोहब्बत उसके परिवार पर भारी पड़ती है और फिर क्या होता है या थिएटर न जाए तो कैसे पता चलेगा। खैर, ये मूवी शर्वरी की मूवी है, वही सेंट्रल कैरेक्टर में है। मूवी की शुरुआत अच्छी होती है, जात पात के लेकर भेदभाव के कुछ ऐसे सीन आते हैं जो आपको चौंकाते हैं। आपको लगता है कि सिर्फ एक ही एक्शन मूवी नहीं है, इसमें और भी कुछ है। फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छा लगता है, उम्मीद जगाता है, लेकिन फिर सेकेंड हाफ में वही होता है जो हम कई हज़ार फिल्मों में देख चुके हैं। ऊंची जाति के लोगों से ड्रोन बस शर्वरी को बचाते हैं, बचाते बचाते हैं और थिएटर में बैठे हम पछताते हैं। मूवी में एक्शन का डोज थोड़ा कम करके इमोशन और बढ़ाया जाता है, कहानी पर थोड़ा और फोकस किया जाता है तो ये और बेहतर मूवी बन सकती थी। शर्वरी मूवी की जान है, उन्होंने कमाल का काम किया है। चाहे बोली पकड़ना हो या फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज हो, वो शानदार लगी हैं। वो एक के बाद एक कमाल का काम कर रही हैं। सेकेंड हाफ में जो वो बाल कटवाती हैं तो उन्हें देखने लायक होता है। उनका काम बताता है कि आने वाले वक्त में वो हिंदी सिनेमा पर राज करेंगी। जॉन अब्राहम का काम बहुत ही अच्छा है, वो किरदार में सूट किए हैं, वो कम बोलते हैं और इस बार को जस्टिफाई भी किया गया है। एक्शन में जॉन वैसे भी कमाल करते हैं। अभिषेक बैनर्जी का काम शानदार है, विलन के किरदार में अभिषेक ने जान डाल दी थी। वो वैसे भी कमाल के एक्टर है, स्क्रीन पर आते हैं तो बवाल काट देते हैं। आशीष विद्यार्थी ने एक बार फिर शानदार एक्टिंग की है। क्षितिज चौहान का काम भी अच्छा, तमन्ना भाटिया का कैमियो भी अच्छा है। कुमुद मिश्रा छोटे से रोल में भी याद रह जाते हैं। निखिल आडवाणी का डायरेक्शन ठीक ही ठाक है। फर्स्ट हाफ में उन्हें पूरे नंबर और सेकेंड हाफ में आधे नंबर। अच्छी शुरुआत को भुना नहीं पाए। फर्स्ट हाफ में मूवी एक शानदार मूवी होने की उम्मीद जगाती है और सेकेंड हाफ शुरू होते होते टूट जाती है। सेकेंड हाफ पर और अच्छा काम होता तो ये एक बेहतरीन मूवी बन जाती। कुल मिलाकर ये मूवी देखी जा सकती है। शर्वरी और इस मूवी के सब्जेक्ट के लिए इस मूवी को एक्स्ट्रा नंबर मिलना ही चाहिए। आशीष विद्यार्थी वेदा में विलन के रोल में नजर आ रहे हैं। 58 साल के हो चुके आशीष विद्यार्थी की पहली हिंदी मूवी द्रोह काल थी। इसमें निभाए गए सपोर्टिंग रोल के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। मूवी के डायरेक्टर गोविंद नलहानी थे।
जब आशीष के नेशनल अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ तो गोविंद ने उनसे पार्टी करने के लिए कहा। आशीष ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने मुंबई के एक पॉपुलर चाइनीज रेस्टोरेंट में जाकर सिर्फ 3 सीट बुक कराई थी। इसकी बड़ी वजह उनका आर्थिक रूप से कमजोर होना था। आशीष ने बताया था, जब लोग आने स्टार्ट हुए और रेस्टोरेंट की आधी जगह भर गई तो मेरी चिंता बढ़ने लगी। लोग पार्टी इंजॉय कर रहे थे और मैं एक कोने में माथा पकड़े बैठा हुआ था। पार्टी के अंत में मैं गोविंद जी के पास गया और अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने मेरी ओर देखा और शांति से बोले, तुमसे किसने कहा है इस बारे में चिंता करने के लिए? ये मुझ पे छोड़ दो, मेरी पार्टी है। तब मैंने उनसे कहा कि अगर आपने ये पहले ही मुझे बताया होता तो भी मैं पार्टी इंजॉय कर लेता ना। खैर, आशीष आगे कहते हैं, आज मैं इन सभी बातों पर हंसता हूँ, लेकिन उस वक्त मेरे लिए ये बहुत गंभीर मुद्दा था। मैं बॉम्बे में पैसा कमाने और अपने पेरेंट्स को आर्थिक रूप से सपोर्ट करने आया था। ये मेरी सबसे बड़ी चिंता थी। जब आप एक एक्टर के तौर पर अपनी शुरुआत करते हैं तो आप पर बेहतर काम करने, फैमिली और अपने चाहने वालों को सपोर्ट करने का दबाव होता है। आशीष विद्यार्थी बॉलीवुड के फेमस विलन में से एक हैं। कहा जाता है कि ज़्यादातर फिल्मों में विलन की भूमिका निभाने की वजह से उन पर मौत के करीब 182 सीन्स फिल्माए जा चुके हैं। 19 जून 1962 को नई दिल्ली में जन्मे आशीष मलयाली पिता और बंगाली माँ की संतान हैं। उनकी माँ रेबा फेमस कथक डांसर थी तो पिता गोविंद विद्यार्थी जाने माने थिएटर आर्टिस्ट। आशीष का प्ले दयाशंकर की डायरी काफ़ी पॉपुलर है, इसके उनके सबसे लंबे मोनो एक्ट में के रूप में जाना जाता है। आशीष ने विद्यार्थी सरनेम अपने पिता से लिया है। दरअसल उनके पिता गोविंद विद्यार्थी ने ये सरनेम फ्रीडम फाइटर गणेश शंकर विद्यार्थी को सम्मान देने के लिए रखा था। कहा जाता है कि गोविंद अपनी युवा अवस्था में अक्सर गणेश शंकर विद्यार्थी का रोल निभाया करते थे। किरदार निभाते निभाते उनके मन में वैसा ही बनने की इच्छा जागी और उन्होंने अपने नाम के आगे विद्यार्थी सरनेम लगा लिया। आशीष असल जिंदगी में एक बार मरते मरते बचे थे। बात अक्टूबर 2014 की है। दुर्ग यानी छत्तीसगढ़ के महमरा अनिकट पर बॉलीवुड डायरी की शूटिंग के दौरान आशीष विद्यार्थी डूबते डूबते बचे थे। शूटिंग के लिए आशीष को पानी में उतरना था, लेकिन वो ज्यादा गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। वहां मौजूद लोगों को लगा कि ये मूवी का कोई सीन है, इसलिए कोई मदद करने के लिए भी नहीं गया। तब वहीं ड्यूटी पर तैनात विकास सिंह नाम के पुलिसकर्मी ने उनकी जान बचाई थी। आशीष विद्यार्थी ने बंगाली सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस रही शकुंतला बरुआ की बेटी राजोशी बरुआ से शादी की। राजोशी भी टीवी एक्ट्रेस है। उन्होंने सुहानी सी एक लड़की जैसे सीरियल्स में काम किया है। आशीष और राजोशी का एक बेटा है जिसका नाम अर्थ है। बॉलीवुड एक्टर आशीष विद्यार्थी ने 57 साल की उम्र में दूसरी शादी की। जैसे ही उनकी शादी की खबरें आईं तो उन्हें लेकर तरह तरह की बातें किए जाने लगीं। कुछ ने उनकी उम्र पर सवाल उठाए तो कुछ ने उनकी पूर्व पत्नी राजोशी बरुआ पर सवाल दागे। अब आखिरकार आशीष विद्यार्थी ने चुप्पी तोड़ दी थी। एक्टर ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर हर एक सवाल का जवाब दिया। आइए बताते हैं आशीष विद्यार्थी ने दूसरी शादी, वाइफ और बेटे अर्थ विद्यार्थी को लेकर क्या कुछ बताया। आशीष विद्यार्थी ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर किया। वो कहते हैं, हम सबकी अलग अलग ज़िंदगी है और हम सबकी अलग ज़रूरतें हैं। सबके पास अलग अलग अवसर भी हैं। सब अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके से भी जी रहे हैं, मगर एक चीज़ कॉमन है, हम सभी अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी जीना चाहते हैं। ठीक ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में 22 साल पहले पिल्लो आई। हम दोनों ने बहुत अच्छी दोस्ती बनाई, पति पत्नी के रूप में ये जर्नी जी। इस दौरान हमारी ज़िंदगी में प्यारा बेटा अर्थ आया। आशीष विद्यार्थी तलाक और अलगाव पर बात करते हुए साझा करते हैं कि इस 22 साल की जर्नी के दौरान 2.5 साल या 2 साल पहले हमने पाया कि जो चीज़ें हम भविष्य के लिए और देखते हैं वो बिल्कुल अलग अलग है। हम दोनों ने कोशिश की कि इन डिफरेंस को दूर करें, मगर ये नहीं चाहते हुए भी हम इस पे हावी होने लगे और हमको ये चीज़ नहीं चाहिए था। अंत में हमने ये पाया कि जिस तरह हमने 22 साल जिए हैं उसी तरह आगे भी रहे। हम नहीं चाहते थे कि खुद को या दूसरों को दिखाने के लिए हम यूँ साथ साथ रहने का ढोंग करें। हमने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं जो लोग अलग रहते हुए भी एक शादी में रहने का दिखावा करते, मगर हम दोनों में से ऐसा दोनों में से कोई नहीं चाहता था, बस इसलिए हमने अलग होने का सोचा। राजोशी बरुआ से अलग होने पर आशीष विद्यार्थी बताते हैं, अब हमारी राहें अलग अलग हो गई हैं। दोनों ने मिलकर अलग होने का फैसला लिया है। हमारे बीच कोई नाराज़गी, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा कुछ भी नहीं है। दोनों ने बेटे और कुछ करीबी लोगों के साथ बैठकर बातचीत की और ज़िंदगी में नया कदम उठाया। ज़िंदगी वो है जिसमें हम ज़िंदगी में खुश रहें। आशीष विद्यार्थी ने दूसरी शादी पर भी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने बताया कि आखिर उनकी मुलाकात कब और कैसे
मुलाकातें रूपाली बरुआ से हुई। उन्होंने कहा, मैं जिंदगी की इस राह में अकेले नहीं रहना चाहता था, इस बीच मुझे रूपाली मिली। एक साल से हम लोग बातचीत करते आए, फिर मुझे लगा कि मैं उनके साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता था, इसलिए हमने शादी का फैसला लिया। 50 साल की रूपाली तो मैं 60 साल का नहीं बल्कि 57 साल का हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपका आशीर्वाद बना रहेगा। विलन की बात हो तो इनमें अभिनेता आशीष विद्यार्थी का नाम भी शामिल है, जो फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से किरदार में जान फूंक देने का काम करते हैं। आशीष ने ना सिर्फ हिंदी फिल्मों में काम किया बल्कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और बंगाली भाषा में भी कई फिल्मों में काम किया। ज्यादातर फिल्मों में अभिनेता आशीष विद्यार्थी ने विलेन की ही भूमिका निभाई है। आशीष ने हिंदी सिनेमा से लेकर साउथ सिनेमा तक अपनी पहचान बनाई। उनकी फिल्म द्रोखला के लिए उन्हें फिल्म फेयर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आज इस खास मौके पर जानिए उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आशीष ने 300 से अधिक फिल्मों में 11 भाषाओं में काम किया है। आशीष ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर आधारित अपनी पहली मूवी सरदार पीवी मेनन की भूमिका निभाई। हालांकि उनकी पहली रिलीज द्रोहकाल थी, जिसके लिए उन्होंने 1995 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। आशीष को मूवी 1942 अ लव स्टोरी में आशुतोष के रूप में अपनी भूमिका के लिए भी प्रसिद्ध मिली है। अभिनेता आशीष विद्यार्थी को सभी लोग विलन के किरदार के लिए जानते हैं। उनके विलन के किरदार ने आशीष की एक अलग ही पहचान बनाई हुई है। आशीष बॉलीवुड के बेहतरीन खलनायकों की लिस्ट में शुमार है। उनके नेगेटिव किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया है। फिल्मों के अलावा उन्होंने टेलीविजन में भी कई शोज किए हैं। सिनेमा जगत के सबसे खूंखार खलनायकों में से एक आशीष विद्यार्थी अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग के लिए खूब तारीफें बटोरते रहते हैं। उन्होंने कई फिल्मों में विलन का कैरेक्टर निभाया तो कुछ में पॉजिटिव रोल भी किए हैं। बिच्छू, जिद्दी और कई बॉलीवुड फिल्मों में विलन की भूमिका निभाकर मशहूर हुए आशीष विद्यार्थी ने अपने सिनेमा करियर की शुरुआत कन्नड़ मूवी आनंद से ही की थी। साल 1991 में उन्हें मूवी काल संध्या से बॉलीवुड में ब्रेक मिला। इसी मूवी के बाद अभिनेता आशीष विद्यार्थी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद आशीष विद्यार्थी ने 1942 में अ लव स्टोरी, सरदार, बिच्छू, द्रोखला, बर्फी और बाजी जैसी कई फिल्मों में काम किया। वेदा में मम्मी ट्री आइटम सॉन्ग से आग लगाने वाली मोनी रॉय हर वक्त चर्चा में रहती हैं। 28 सितंबर 1985 के दिन पश्चिम बंगाल की कूच बिहार में जन्मी मोनी रॉय आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने टीवी की दुनिया से अपने करियर की शुरुआत की और बड़े पर्दे पर भी अपना जलवा जम कर दिखाया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपना ये सपना पूरा करने के लिए मोनी रॉय ने अपने पापा का सपना भी तोड़ दिया था। आइए आपको मोनी रॉय की जिंदगी से कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं। मोनी रॉय ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पापा उन्हें आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते थे, लेकिन उनके मन में बचपन से ही एक्ट्रेस बनने की तमन्ना थी। हालांकि जब वो दिल्ली आई तब वो पत्रकार बनने की कोशिश में लगी हुई थी। इसके लिए उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में मास कम्युनिकेशन में एडमिशन भी लिया था। हालांकि उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और मुंबई जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। सोशल मीडिया पर अपनी अदाओं से आग लगाने में माहिर मोनी रॉय ने अपने करियर की शुरुआत बतौर बैकग्राउंड डांसर की थी। इसके बाद वो एकता कपूर के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में नजर आई। इस सीरियल में उन्होंने कृष्णा तुलसी का किरदार निभाया था। हालांकि टीवी सीरियल नागिन ने मोनी को घर घर में मशहूर कर दिया। इसके अलावा वो महादेव, कस्तूरी, दो सहेलियां, जुनून ऐसी नफरत तो इश्क कैसा आदि सीरियल में भी नजर आई। गौरतलब है कि मोनी रॉय बड़े पर्दे पर भी अपनी अदाकारी का जादू दिखा चुकी हैं। उन्होंने अक्षय कुमार की मूवी गोल्ड से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके अलावा वो रोमियो, अकबर वॉल्टर, मेड इन चाइना आदि फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। हाल ही में वो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर स्टारर ब्रह्मास्त्र में नजर आई थी। बता दें कि मोनी रॉय ने साल 2022 के दौरान बिजनेसमैन सूरज नाबियार से शादी रचाई। मोनी रॉय ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ तब खींचा जब वो लिप सर्जरी के बाद मीडिया के सामने आई। लोगों ने जमकर इनकी आलोचना की, लेकिन जब इस बारे में एक्ट्रेस से पूछा गया तो उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी वाली बातों को बकवास बताया था। खबर थी कि मोनी रॉय अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ बोले चूड़िया में नजर आएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोनी ने इस प्रोजेक्ट से बाहर होने की भी वजह बताई थी, क्योंकि प्रोड्यूसर को उनका रवैया अनप्रोफेशनल लगा था। मोनी रॉय पर एक्टर अमित टंडन ने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि एक्ट्रेस ने उनकी पत्नी रूबी टंडन का इस्तेमाल किया है, वो उनका चेहरा फिर कभी नहीं देखना चाहेंगे।
मौनी रॉय ने साल 2006 में एकता कपूर के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी से अपना करियर स्टार्ट किया। इसमें वो कृष्णा तुलसी के रोल में थी। मोहित रैना और मौनी रॉय ने सीरियल देवों के देव महादेव में भी देवी सती का किरदार निभाया था। इस शो की शूट के दौरान दोनों के बीच बॉन्डिंग हुई और जल्दी ये दोनों बॉन्डिंग प्यार में बदल गई। दोनों की क्लोजनेस की कई तस्वीरें भी इंटरनेट पर वायरल हुई। हालांकि दोनों ही अपनी लव लाइफ को लेकर काफ़ी प्राइवेट रहे। ऐसे में दोनों में से किसी ने भी अपने प्यार को पब्लिकली स्वीकार नहीं किया। मौनी रॉय और टीवी एक्टर गौरव चोपड़ा ने 4 साल तक एक दूसरे को डेट किया। इन दोनों ने साथ में रियालिटी शो पति पत्नी और वो में भाग भी लिया था। खबरें तो ये थी कि दोनों ही एक दूसरे को लेकर काफ़ी सीरियस थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन निजी कारणों के चलते 4 साल के बाद ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। कई लोगों को डेट करने के बाद आखिरकार मौनी रॉय ने इसी साल 27 जनवरी 2022 को दुबई बेस्ड बिजनेसमैन सूरज नामबियार से गोवा में शादी की। मौनी रॉय पुराने दिनों की याद करते हुए कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग में अपना करियर बनाऊंगी। उन दिनों गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, मैं अपने कॉलेज के बाहर टहल रही थी, तभी किसी ने मेरे कंधे को थपथपाया और मुझसे पूछा कि क्या एक सीरियल के लिए ऑडिशन देना चाहोगी। मौनी रॉय अपनी बात जारी रखते हुए कहती हैं, मैं यूं ही नहीं यहाँ कहती थी, ऑडिशन देने के लिए मैं तैयार हो गई। मैंने सोचा था छुट्टियाँ हैं, ये काम करके देखती हूँ कैसा लगता है। मौनी रॉय ने तब क्योंकि सास भी कभी बहू के लिए ऑडिशन दिया था और वे शो में अगली पीढ़ी के बच्चों के रूप में शामिल हो गई। इसके बाद मौनी रॉय ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वो टीवी इंडस्ट्री की बेहतरीन कलाकारों में से एक है। ऑडियंस को इस शो में उनका किरदार काफ़ी पसंद भी आया था। मौनी कहती हैं, मैंने सोचा था कि गर्मी छुट्टी के बाद मैं वापस लौट जाऊंगी, लेकिन ये कभी नहीं हुआ। मुझे एक्टिंग से प्यार हो गया था। मैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी की शूटिंग के दौरान केवल 3 से 4 घंटे ही सो पाती थी, लेकिन मुझे इसके लिए कोई शिकायत नहीं है। दोस्तों लगता है मौनी रॉय को जल्द ही चीर होने वाली है। हाँ, क्योंकि अगर वो ऐसे ही आइटम सॉन्ग्स करके अपनी अदाओं से लड़कों को मार देगी तो फिर क्या ही होगा हमारे देश में। और अब वो एक नया आइटम सॉन्ग लेकर आई है, तो जॉन अब्राहम की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म वेदा का आइटम सॉन्ग मम्मी जी हो चुका है आउट। और मम्मी जी ये 2 शब्द सुनने के बाद दुनिया भर की सारी मम्मियां ना खुशी से दया बेन की तरह ना गरबा कर रही होगी। पर भाई मौनी रॉय मम्मियों के लिए थोड़ी ना ठुमके लगाएगी, सोचने वाली बात है ना दोस्तों। बल्कि उन्हें तो हम एक बाल में देखते हैं जहां उनके आइटम सॉन्ग की सही जगह है। तो इस गाने की शुरुआत में हम देखते हैं कि लटकते मटकते अंदर से मौनी आती है और बाहर वेट कर रही उनकी ऑडियंस हो जाती है फुल चार्ज्ड। वैसे इन सब ने हाथ में पकड़ा है शराब का ग्लास, पर उस शराब से भी अधिक नशा ये मौनी की अदाओं से हो रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब साक्षात टीवी की नागिन ऐसी अदाएं दिखाएंगी तो नेवले तो बाबले हो ही जाएंगे ना। और पर क्या, एक के बाद एक मौनी रॉय अपने डांस स्टेप दिखाती है अपने ग्लैमरस अंदाज में और लगा देती है स्टेज पर बिल्कुल फायर। वैसे नोटिस करने वाली बात ये दोस्तों कि उनके आजू बाजू झूमने वाले लोगों में सिर्फ जवान बंदे ही नहीं है बल्कि कुछ अंकल जी भी है, जिनकी पता नहीं कौन सी वाली उमरिया लौट आई है। पर अंकल जी ने भी ना कड़क बीट पकड़ा है भाई मौनी रॉय को फॉलो करते हुए। वैसे 1:07 पर अगर आपने गाने की एक लाइन अरे क्या कराया हो गया बर्बाद मम्मी जी को ध्यान से सुनोगे ना आप, तो आपको राजकुमार राव की पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके इसकी याद जरूर आएगी। और जैसे ही गाना एंडिंग की तरफ जाता है तो फिर हम भी दर्शन होते हैं जॉन अब्राहम जी के, मतलब अंदर आइटम सॉन्ग चल रहा है और उनकी एंट्री हो रही है। पर अफसोस इस बार उन्हें नौरा फतेह ही नहीं मिली बल्कि फॉर अ चेंज मौनी रॉय देखने को मिलेगी, क्योंकि हर बार कभी दिलबर दिलबर तो कभी साकी साकी तो कभी कुस्सू कुस्सू, सब में बस नौरा और जॉन होते हैं। सच में नौरा का बेली डांस देख देख कर ना पक गए थे हम, वह चीज तो मांगता है। और आपने देखा होगा ना सत्यमेव जयते 2 बाटला हाउस जैसी जॉन अब्राहम की सभी फिल्मों में नौरा फतेही का ही एक आइटम सॉन्ग होता है और ये भाई साहब वहाँ एंट्री मारते हैं। पर इस गाने में मौनी रॉय को वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं बल्कि वो किसी अलग ही मिशन पर आ चुके हैं और फिर थोड़ा बहुत उनका एक्शन ड्रामा देखने को मिलता है जिसके बिना उन्हें रहा नहीं जाता है। क्यों, सही कहा ना। तो दोस्तों यहाँ थोड़ी बहुत रईस के लैला लता गाने की याद आ गई
जिसमें शाहरुख खान भी अंदर जाकर ढिशुम ढिशुम करते हैं। पर कुछ भी कहो यारो, मौनी रॉय ने एक हॉट आइटम नंबर तो दे दिया है और कई लोगों की जान भी ले ली है। हाँ, क्योंकि इनका डांस नंबर देखने के बाद कई लोगों ने अपने हार्ट सोशल मीडिया पर उन्हें दे दिए हैं। तो हार्ट के बिना बंदा जिंदा कैसे रहेगा, ये तो आप ही सोचिए। और कुछ महारथी तो ऐसी भी है जिनके पास एक नहीं दो दो तीन तीन हार्ट है। सोचो मौनी कितनी नसीब वाली है। पर आइटम सॉन्ग देखकर तो मजा आ गया दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आलमजेब की भाषा में कहे तो एक बार देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि कैसा लगा। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यदा यदा धर्मस्य धर्म रक्षण को आयुध मर्च से बड़का बल। आखिर क्यों फिल्म वेदा को लेकर स्टार कास्ट को देनी पड़ रही है बार बार सफाई? अब सफाई क्यों देनी पड़ रही है ये तो बताएंगे ही, पर इसकी शुरुआत हुई एंग्री यंग मैन जॉन अब्राहम के कारण। दरअसल वेदा 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है और इसी के चलते प्रमोशंस हो रहे थे। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक शख्स ने बोला कि वेदा के ट्रेलर से लगता है कि एक रिपीटेड एक्शन फिल्म ही है और उसकी लाइन पूरी ही हो रही थी। तब तक उस पर भड़क उठे जॉन, जो उस फिल्म के एक्टर और प्रोड्यूसर दोनों है। तो एक क्वेश्चन के बाद उनका पारा ऐसा चढ़ गया कि पूछने वाले को पछतावा हो गया कि यार ये मैं कहां फंस गया। फिर 2 सेकंड के अंदर ही जॉन के सुर एकदम चेंज हो गए और फिर उन्होंने कह दिया, भैया पहले फिल्म देखो, ये फिल्म मेरी बाकी फिल्मों की तरह नहीं है। मतलब ये क्रिटिसिज्म जॉन सह नहीं पाए। पर बात यहां तक रुकी नहीं, उसके बाद फिर तमन्ना भाटिया, जो इस फिल्म में कैमियो कर चुकी है, उन्होंने सोशल मीडिया पर जॉन को लेकर डिफेंड किया कि ये फिल्म कोई नॉर्मल एक्शन फिल्म नहीं होने वाली माय फ्रेंड्स, और ना ही बस एक एक्शन फिल्म ही होने वाली है। तो इस तरह से इन लोगों को स्वच्छता अभियान करना पड़ रहा है, मतलब सफाई देनी पड़ रही है कि भाई फिल्म देखने जाओ, आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, फलाना फलाना। वैसे जो नया देखने को मिलेगा इसकी बात हो रही है ना, एक सोशल मैसेज होने वाला है, क्योंकि फिल्म का इमोशनल क्वेश्चन जैसे कास्ट सिस्टम पर वॉर करना, जो अभी भी इंडिया में एग्जिस्ट करता है, और जस्टिस की लड़ाई लड़ना, ये सब प्रवोक करेगा वायलेंस के लिए। पर ऐसा नहीं है कि कास्ट सिस्टम वाला एंगल पहली बार उठाया जाएगा, बल्कि 1980s की आक्रोश से लेकर आरक्षण, मसान, धड़क, इश्कज़ादे, सुपर थर्टी, मांझी, ऐसी कई बॉलीवुड फिल्में हैं जिसमें हमने ये सब देखा है। बट एक्चुअली इन फिल्मों को अगर हम देखें तो कोई रोमांटिक फिल्में हैं तो कोई कॉमेडी ड्रामा। पर वेदा और इसके यही फर्क होगा कि कास्ट सिस्टम और आज को टाइम का एक्शन, इसका परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलने वाला है, वो भी वेदा जैसी एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट के जरिए। दूसरी बात ये कि जॉन, जिनका एक्शन उनका फोटे है, उनकी फिल्म होने के बावजूद भी बाकी एक्टर्स को उनसे ऊपर और तगड़ा दिखाया जाएगा, जैसे वेदा यानी शर्वरी बाग के साथ साथ अभिषेक बैनर्जी, जो स्त्री जैसी हॉरर कॉमेडी फिल्म में कॉमेडी करने के बाद कंप्लीटली 360 डिग्री टर्न लेकर एक्शन करेंगे। और जॉन ने प्रमोशंस के वक्त ही कह दिया है कि अभिषेक ने जो एक्शन इस फिल्म में किया है, उसके बाद इंटरवल का टाइम आपको 440 वोल्ट का करंट जरूर लगेगा। वैसे जॉन, हम तो तैयार ही हैं करंट लेने के लिए, अभी अभी खतरों के खिलाड़ी का सीजन करके आए हैं। खैर, पर अब सफाई और तारीफ तो हो गई, अब सपोर्ट की बात करते हैं। तो इंडस्ट्री से भी काफी लोग इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, पर उस सब में हमारा ध्यान खींचने में कामयाब हुई है आलिया भट्ट, जिन्होंने शर्वरी के लिए खास सोशल मीडिया पर फायर इमोटिकॉन्स पोस्ट किए हैं। चलो, मतलब ये अच्छा हुआ क्योंकि आलिया को अब आइडिया लग चुका है कि शर्वरी क्या क्या कर सकती हैं, क्योंकि इसके बाद ये दोनों फिल्म अल्फा में होंगी साथ में। खैर, पर उससे पहले वेदा आ रही है 15 अगस्त को, देखते हैं अपनी पिंकी प्रॉमिस के मुताबिक ये हमें क्या क्या नया देती है। वेल, आप कितना एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। तो 1 अगस्त को जॉन अब्राहम और शर्वरी वाघ की एक्शन थ्रिलर वेदा का ट्रेलर आने के बाद फैंस में बंटवारा हो गया, मतलब आधे इधर और आधे उधर, ऐसे पिक्चर है। अब ऐसा क्यों है, ये ट्रेलर बैकग्राउंड से जानते हैं। दरअसल 3 मिनट 10 सेकंड के ट्रेलर में श्रीमद् भागवतम गीता के भगवान श्री कृष्ण का धर्म अधर्म को लेकर बोला गया एक बहुत ही बड़ा श्लोक हमें जॉन के मुंह से सुनने को मिलता है, और जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है समझ आता है
कि जॉन इस फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर निभाने वाली शर्वरी जो वेदा बनी है, जो इस फिल्म की एक्चुअल लेडी है, जॉन उनके सारथी बनने वाले हैं, ठीक वैसे ही जैसे महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। फिर हम 35 सेकंड के बाद बस एक एक्शन एक्शन और एक्शन ही देखते हैं जो कि जॉन अब्राहम का फोटो है। अब ये देखते वक्त काफी बढ़िया सीन दिखाई देता है, जैसे कि एक वेपन से गर्दन पर वार करना हो, हड्डी पसली करना हो, काफी बढ़िया सीन्स बिना सांस लिए दिखाए गए हैं और उसकी सिनेमाटोग्राफी भी काफी बढ़िया तरीके से की गई है। जिन्होंने इसमें पहले छपाक, राजी, मुंबई डायरीज जैसे प्रोडक्शंस में काम किया, जी वे टॉकिंग अबाउट मल्ले प्रकाश, जिन्होंने इसमें भी अपनी कलाकारी दिखाई। फिर जैसे ही ट्रेलर आगे बढ़ता है हमें ये समझ आता है कि जॉन के कैरेक्टर अभिमन्यु की एक बैक स्टोरी भी है, जैसे कि वे एक एक्स आर्मी मैन थे और उसके सीनियर्स के ऑर्डर्स फॉलो ना करने पर उन्हें अपनी पोजीशन से हटाया गया। पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये बैकग्राउंड स्टोरी अगर ना दिखाई जाती तो अच्छा होता, क्योंकि जॉन की अगर पिछली कुछ फिल्में निकाले तो उसमें बाटला हाउस, सत्यमेव जयते, फोर्स टू जैसी कई फिल्में हैं जिसमें किसमें भी पुलिस ऑफिसर होते हैं या फिर सोल्जर्स होते हैं, मतलब उनका कोई ना कोई कैरेक्टर देश से जुड़ा ही होता है और फिर उनकी सभी फिल्मों में उनके कैरेक्टर्स का एटीट्यूड भी एक जैसा होता है। ये सिस्टम सुधारना चाहता है आउट ऑफ द बॉक्स जाकर और उसमें उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इसमें अच्छी बात यह है कि सोशल मैसेज भी मिलेगा, जैसे उनकी फिल्म सत्यमेव जयते में करप्शन के अगेंस्ट लड़ते थे, फिर फिल्म अटैक में टेररिस्ट के अगेंस्ट, तो वेदा में कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट लड़ने नजर आने वाले हैं। अब इसमें एक्शन वगैरह ऐड करने के लिए कुछ नया देखने को मिलेगा, पर कास्ट सिस्टम पर इसमें पहले भी फिल्में बन चुकी हैं, जैसे कि 1980s की आक्रोश से लेकर आरक्षण, मसान, धड़क, इशक जादे, सुपर 30, बंडित क्वीन, आर्टिकल 15, मांझी, फिर साउथ में जय भीम, कैप्टन मिलर, ऐसी कई सारी फिल्में हमने इससे पहले देखी है। तो वेदा भी इसी थीम को, इसी एंगल को इस्तेमाल करती है। वैसे शर्वरी को देखा जाए तो स्टार्टिंग में वो जो राजस्थान की छोरी दिखाई गई है ना, वो बात बहुत इंटरेस्टिंग है। बाद में कंप्लीट 360 डिग्री का टोन लेकर बदला लेने का सोचती है, तब उनका लुक ट्रांसफॉर्मेशन नजर आता है। जैसे ही दंगल में गीता बबीता का हेयर कट है लड़के वाला, ठीक वैसा ही दिखाई देता है, तो इसलिए उनके कैरेक्टर से काफी एक्सपेक्टेशंस तो हैं, क्योंकि ये फिल्म उनके कैरेक्टर पर बेस्ड है और फिल्म में जॉन के होते हुए उन्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बाकी अभिषेक बैनर्जी पॉलिटिकल फिगर बने हैं, आइटम सॉन्ग के लिए मोनी रॉय हैं और तमन्ना भाटिया का शायद कैमियो हो सकता है। खैर, पर ट्रेलर देखने के बाद ओवरऑल ऐसा लगता है कि हमारा इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि थीम तो पुरानी है और ट्रेलर में सब दिखाने की जरूरत नहीं थी। वैसे आपको क्या लगता है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड्स।